जाएगा तथा उत्पाद को सरकार द्वारा ही खरीद लिया जाएगा। हम चरणबद्ध तरीके से किसान परिवारों को दूध से एक निश्चित आय अर्जित करने में सक्षम बनाने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, ताकि हम चुनाव से पूर्व किए गए वादों को पूरा कर सके। 2024-25 में इस पर लगभग 150 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि व्यय की जाएगी, जिससे इस व्यवस्था को तैयार करने में सहायता मिलेगी। हिमाचल प्रदेश मिल्क फेडरेशन दूध उत्पादन सोसाइटियों द्वारा लीग सोसाइटियों से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी द्वारा लीगी मार्केट फीस रिवर्स करने में बहुत समय लग जाता है। इससे इन सोसाइटियों का बहुत सारा पैसा कमेटी के पास काफी समय तक पड़ा रहता है। मैं घोषणा करता हूं कि 1 अप्रैल 2024 से दुग्ध उत्पादन सोसाइटियों से एपीएमसी द्वारा ली जाने वाली फीस माफ की जाएगी। इससे इन सोसाइटियों को करोड़ों रुपए का लाभ पहुंचेगा। मेरा लक्ष्य किसानों और पशुपालकों को न केवल दूध उत्पाद को कॉस्ट बेस्ड प्राइस मिले बल्कि क्वालिटी बोनस भी मिले। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेरी सरकार निश्चित समय अवधि को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। यह सरकार एवं पशुपालकों के सुख प्रयास से संभव हो पाएगा। प्रदेश के युवाओं में पशुपालन से संबंधित कौशल के विकास के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के माध्यम से नए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। हिमगंगा योजना के अंतर्गत मैं वर्ष 2024-25 के दौरान कांगड़ा के ढगवार में 1.5 लाख लीटर पर डे की क्षमता वाले फुली ऑटोमेटेड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स प्लांट की स्थापना की घोषणा करता हूं। इस प्लांट के लिए भूमि उपलब्ध करवा दी गई है तथा इसकी क्षमता को बाद में बढ़ाकर 3 लाख लीटर पर डे कर दिया जाएगा। इस प्लांट में अत्याधुनिक तकनीक से दूध का पाउडर बनाया जाएगा, जिससे कि मांग से अधिक दूध को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखा जा सके। इसके अतिरिक्त दही, खोया, घी, आइसक्रीम, फ्लेवर्ड मिल्क, प्रोसेस्ड मिल्क चीज तथा अन्य उत्पाद तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ यूएचटी अल्ट्रा हीट टेक्नोलॉजी से पैकिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। दत्तनगर मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में 50,000 एलपीडी की क्षमता का एक अतिरिक्त सेंटर चालू कर दिया जाएगा तथा वर्तमान में विभिन्न जिलों में काम कर रहे दूध संयंत्रों के नवीनीकरण को प्राथमिकता दी जाएगी। ऊना तथा हमीरपुर में भी आधुनिक तकनीक से मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जिन पर लगभग 50 करोड़ रूपए व्यय किए जाएंगे। स्थानीय युवाओं को, किसानों को कलेक्शन सेंटर से मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट तक दूध ले जाने के लिए 50% उपदान पर 200 रेफ्रिजरेटर मिल्क वैन्स उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी कि जो जब दूध की पैदावार बढ़ेगी तो किसान कहाँ छोड़ेगा, उसके लिए उन्हें जो रेफ्रिजरेटर वैन होती है मिल्क प्रोसेसिंग के लिए, वो 50% पर उपलब्ध करवाई जाएगी। पशुपालकों को उत्तम नस्ल के पशु उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मैं सोलन जिले के दारला घाट में कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करने की घोषणा करता हूं, जिसकी सहायता से कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों द्वारा गंभीर पशु रोगों की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 44 मोबाइल वेटनरी वैन्स किराए पर ली गई है। यह सेवा वर्ष 2024 में पूर्ण रूप से आरंभ कर दी जाएगी। प्रत्येक वैन में एक वेटनरी डॉक्टर तथा एक फार्मासिस्ट तैनात होगा। पशुपालक प्रदेश में कहीं से भी टोल फ्री फोन नंबर 1962 पर कॉल करके पशुओं के उपचार की सुविधा या पशुपालन से संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत ऊना जिला के बसाल में डेनमार्क के तकनीकी सहयोग से 44 करोड़ की लागत से एक
उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक भूमि पशुपालन विभाग के नाम पर हस्तांतरित कर हो चुकी है। बदलते समय में पशुपालन विभाग के संगठनात्मक ढांचे के पुनर्गठन एवं पुनर्संरचना की भी आवश्यकता है। अतः विभागीय योजनाओं के युक्तिकरण एवं विभागीय ढांचे के पुनर्गठन के लिए एक विस्तृत योजना बनाई जाएगी, जिसके लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई जाएगी। मिल्क फेडरेशन के माध्यम से नेशनल डेयरी प्लान 2 के अंतर्गत प्रदेश में दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करके उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश भेड़ बकरी पालकों का भी प्रदेश है। प्रदेश में 8 लाख भेड़े तथा 11 लाख बकरियां हैं। भेड़ बकरियों के लिए FMD वैक्सीन, डीवॉर्मिंग दवाइयां तथा अन्य दवाइयों के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। भेड़ बकरी पालकों की अन्य बड़ी समस्याओं में डिपिंग, ड्रेंचिंग की व्यवस्था में सुधार, ऊन कटाई की व्यवस्था में सुधार, उनके परंपरागत चरानों तथा रास्तों का समाप्त होना, भेड़ बकरी की ऊन के व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आए बदलाव के कारण ऊन के खरीद मूल्य में भारी गिरावट आई है। मैं प्रदेश में भेड़ बकरियों के लिए FMD वैक्सीनेशन शुरू करने तथा ऊन की अन्य समस्याओं के निदान के लिए एक नई योजना भेड़ बकरी पालक प्रोत्साहन योजना आरंभ करने की घोषणा करता हूं। इस योजना पर 10 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी। जनक जी नहीं आज। प्रदेश में बढ़ते हुए बेसहारा पशुओं की समस्या के निदान के लिए एक स्टेट लेवल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जो कि 3 माह के भीतर इन पशुओं को किसानों तथा स्थानीय समुदायों से परामर्श के बाद समीप के गौ अभ्यारण्यों तथा गौशालाओं में रखने के लिए दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इसी के साथ गौ अभ्यारण्यों और गौशालाओं के निर्माण तथा रखरखाव से संबंधित सुझाव भी दिए जाएंगे। मैं निजी गौ सदनों में आश्रित गौवंश के लिए दिए जाने वाले अनुदान 700 रूपये प्रति गौवंश प्रति माह से बढ़ाकर 1200 रूपया करने की सहर्ष घोषणा करता है। जो निजी संस्थान गौशाला चलाते हैं उनके लिए हमने 1200 रूपया पर गाय का या कोई सी पशु का कर दिया। कृषि क्षेत्र के लिए कुल 582 करोड़ रूपये प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, मैं हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में प्रदेश के बागवानों का एक बड़ा योगदान रहा है। बागवानों की आय में वृद्धि हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। मैं 2024-25 के दौरान बागवानी क्षेत्र में 300 करोड़ रुपए की लागत से निम्न विकास कार्य पूरे करने की घोषणा करता हूं। 75 लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण, लगभग 1200 हेक्टेयर क्षेत्र में सब ट्रॉपिकल फलों के हाई डेंसिटी वृक्षों का रोपण कार्य किया जाएगा, जिससे 80,000 कृषक समूहों में के लगभग 6,500 किसान परिवार लाभान्वित होंगे। 12 करोड़ की लागत से एक बागवानी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी, जो कि गुणवत्ता, कौशल, पर्यटन तथा बाजार संबंधित सभी आवश्यकताओं के लिए वन स्टॉप रिसोर्स सेंटर के रूप में कार्य करेगा। राज्य के सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में 2 अत्याधुनिक फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किए जाएंगे। 5 करोड़ रुपए की लागत से अमरूद, नींबू तथा अन्य सब ट्रॉपिकल फलों की बढ़ावा देने के लिए मदर ट्रीज, बड वुड बैंक्स के लिए फाउंडेशन ब्लॉक की स्थापना की जाएगी। भगवान भाइयों के साथ चर्चा के बाद मैं घोषणा करता हूं, 2024 के सेब सीजन से, जो अगला सेब सीजन होगा, यूनिवर्सल कार्टन का प्रयोग आरंभ कर दिया जाएगा। इस दिशा में आवश्यक दिशा निर्देश तैयार करने हेतु सचिव कृषि की अध्यक्षता में दिसंबर 2023 में एक कमेटी का गठन किया जा चुका है। प्रदेश में हाई रिटर्न फ्रूट जैसे कि ड्रैगन फ्रूट, एवोकाडो, ब्लूबेरी, मैकोडामिया नट इत्यादि के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए
डॉक्टर वाई एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर आवश्यक दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे। इससे प्रदेश के किसानों की आय में शीघ्र एवं निश्चित वृद्धि होगी। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में पर्यटकों के बढ़ते हुए रुझान को देखते हुए हॉर्टिकल्चर टूरिज्म को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। प्रदेश में स्थित बड़े बाग तथा बागों के समूह को ग्रामीण पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग, उद्यान विभाग तथा पर्यटन विभाग के माध्यम से मैं एक ठोस नीति का निर्धारण किया जाएगा। इस नीति के अंतर्गत इच्छुक बागवानों को आवश्यक ट्रेनिंग तथा अन्य सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। बागवानी के कुल 531 करोड़ रूपये प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के लगभग 13,000 मछुआरों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से मैं निम्न घोषणा करता हूं। 20 हेक्टेयर क्षेत्र में नए मत्स्य पालन तालाबों के निर्माण के लिए मछुआरों को 80% उपदान पर आर्थिक सहायता दी जाएगी, यानी कि 100 रूपये में से 80 रूपये सरकार खर्च करेगी। जिला हमीरपुर में सेंटर ऑफ एक्सलेंस के रूप में एक नए कारफिश फार्म की स्थापना की जाएगी। नालागढ़ स्थित फिश सीड फार्म में 5 करोड़ की लागत से ब्रॉड बैंक की स्थापना की जाएगी। प्रदेश के मछुआरों को मोटरसाइकिल, थ्री व्हीलर तथा आई बॉक्सिस उपदान पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। 10 नए बायोफ्लॉक फिश प्रोडक्शन तालाबों तथा 10 नई लघु बायोफ्लॉक फिश प्रोडक्शन इकाइयों की स्थापना की जाएगी। 3 नई फीड मिल्स की स्थापना की जाएगी। 2 बर्फ संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रदेश के ठंडे क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों में ट्राउट मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 150 नई ट्राउट मछली उत्पादन इकाइयां तथा 2 नई ट्राउट हैचरीज की स्थापना की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, ये सब जो चीजें हैं ये किसान की आय बढ़ाने के लिए है, चाहे प्राकृतिक खेती है, चाहे दूध के मूल्य बढ़ाने की बात है, चाहे फिशरी की बात है, किसान और बागवान की आय बढ़े उस दृष्टि से सबको जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के ठंडे क्षेत्र, अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष भारी वर्षा के कारण अन्य संपत्तियों के साथ साथ लारजी पावर हाउस को लगभग 658 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। लारजी पावर हाउस के यूनिट नंबर 1 को पूरी तरह से रिस्टोर कर दिया गया है तथा अन्य 2 यूनिटों को भी शीघ्र ही रिस्टोर कर दिया जाएगा। लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वित होने वाली हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए विश्व बैंक के साथ लोन एग्रीमेंट साइन कर लिया गया है। इसके माध्यम से स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी की सहायता से प्रदेश के 13 शहरों में 24/7 पावर सप्लाई सुनिश्चित करने का कार्य शीघ्र आरंभ किया जाएगा। मैं हिमाचल प्रदेश को 2026 तक देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने के अनुक्रम में तथा प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित घोषणाएं करता हूं। पेखूवाला स्थित 32 मेगावाट क्षमता वाले हिमाचल के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास 2 दिसंबर 2023 में किया गया था। मैं इसे मार्च 2024 तक के अंत तक कमीशन करने की घोषणा करता हूं। ऊना में अगलोर स्थित 10 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट जून 2024 तक बनकर तैयार कर दिया जाएगा। ऊना के भंजाल में 5 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पावर प्रोजेक्ट का सितंबर 2024 तक लोकार्पण कर दिया जाएगा। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के अंतर्गत निजी भूमि पर 45% उपदान पर 100 से 500 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाने के कार्य में गति लाई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में कुल 100 मेगावाट सोलर क्षमता का दोहन सुनिश्चित किया जाएगा। निजी भूमि पर स्थापित होने वाले सौर ऊर्जा परियोजना का पंजीकरण पूरे वर्ष के लिए खुला रखा जाएगा, जिससे 100 मेगावाट सौर क्षमता का दोहन शीघ्र संपन्न हो पाएगा। प्रदेश के बाल एवं बालिका आश्रम तथा वृद्ध आश्रम और राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल में ग्रिड से जुड़े रूफ टॉप सोलर प्लांट और वाटर हीटिंग सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। सभी सरकारी भवनों के कनेक्टिंग लोड के कम से कम 20% की आपूर्ति
ग्रिड से जुड़े रूफ टॉप सोलर प्लांट के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से करना अनिवार्य किया जाएगा। सोलन, पालमपुर और धर्मशाला नगर निगमों में सभी घरेलू उपभोक्ताओं को एनएससी प्राप्त करने के लिए नए भवन में सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य किया जाएगा तथा इन नियमों में स्थित सरकारी भवनों की छतों पर चरणबद्ध तरीके से सोलर प्लांट लगाने होंगे। उन्ना, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर, मंडी और शिमला जिला में 501 मेगावाट की क्षमता वाले 500 सौर पार्क और 2012 मेगावाट की क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का कार्य आरंभ किया जाएगा। लगभग 1,885 करोड़ की लागत से प्रदेश में रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम्स के माध्यम से एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस को कम करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। इससे बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ेगी। बिजली उत्पादन के साथ साथ एक एफिशिएंट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होना समय की आवश्यकता है ताकि न केवल प्रदेश की जनता की बिजली को मांग को पूरा किया जा सके बल्कि सरप्लस उत्पादन को उचित समय पर अन्य राज्यों को भी पहुंचाया जा सके। इसको और सुदृढ़ करने के लिए 2024-25 के लिए 96 करोड़ रुपए की लागत से 4 ट्रांसमिशन लाइन्स तथा 290 करोड़ की लागत से 6 एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पूरे सब स्टेशन पूरे किए जाएंगे। प्रदेश में स्थित ट्रांसमिशन एसेट्स को नेशनल ग्रिड से सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी सिस्टम के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इसकी नियंत्रण मॉनिटरिंग के लिए कुनिहार में बन रहे ज्वाइंट कंट्रोल सेंटर तथा कांगड़ा के धेन में सब स्टेशन के लिए के निर्माण का कार्य 2024-25 में पूरा कर लिया जाएगा। इससे ट्रांसमिशन लाइन्स के शिखर रखरखाव की भी में भी सुविधा होगी। अध्यक्ष महोदय, कांगड़ा जिला को प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा पिछले बजट में की गई थी। इसी क्रम में 7 जुलाई 2023 को कांगड़ा के गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए सेक्शन 11 के अंतर्गत अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके लिए रिहैबिलिटेशन और रिसेटलमेंट प्लान को शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा और भू अधिग्रहण कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त वेबकोस लिमिटेड द्वारा तैयार की गई मंडी हवाई अड्डे की DPR का परीक्षण किया जा रहा है। प्रदेश में कुल 16 प्रस्तावित हेलीपोर्ट में से प्रथम चरण में 9 हेलीपोर्ट क्रमशः हमीरपुर में जसकोट, कांगड़ा में रक्कड़ और पालमपुर, चंबा में सुल्तानपुर, कुल्लू में आलू ग्राउंड मनाली, किन्नौर में शारबो तथा लाहौल स्पीति में जिस्पा, सिसु और रंगरीत में विकसित किए जाएंगे। इन 9 हेलीपोर्ट्स की फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट्स प्राप्त हो चुकी है। रक्कड़, सुल्तानपुर और पालमपुर का ऑब्स्टेकल लिमिटेशन सर्वे हो चुका है और इनकी DPR शीघ्र ही बनकर तैयार हो जाएगी। रक्कड़ और पालमपुर का आर्किटेक्चरल डिजाइन प्राप्त हो चुका है। 13 करोड़ रूपये प्रति हेलीपोर्ट की लागत से रक्कड़, पालमपुर, रिकांगपियो, चंबा में हेलीपोर्ट्स का निर्माण कार्य आरंभ किया जाएगा। दूसरे चरण में चंबा के पांगी, होली, बिलासपुर के और सिरमौर के धाराक्राई, धार क्यारी, शिमला के चांशलधार, ऊना के जनकौर तथा सोलन के गलानाग में हेलीपोर्ट निर्मित किए जाएंगे। इसके लिए भारत सरकार के माध्यम से पवन हंस लिमिटेड से आवश्यक सहायता ली जाएगी। पर्यटन विकास के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में बढ़ते हुए स्वदेश दर्शन 2 के अंतर्गत पोंग डैम के विकास और प्रबंधन के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इसके साथ ही निम्न 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशन को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। लाहौल स्पीति में चंद्रताल, काजा और तांदी, किन्नौर में रक्षम और नाको चांगो खाब, मैं कुफरी के नजदीक हसन घाटी के मशहूर पर्यटक स्थल पर स्काई वॉक ब्रिज के निर्माण करने की सहर्ष घोषणा करता हूं। पर्यटकों को प्रदेश में प्रवास के दौरान बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में स्थित सभी होम स्टे यूनिट को हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन लाया जाएगा जिससे इसके संचालन में सुधार और गुणवत्ता लाई जा सके। अध्यक्ष महोदय,
प्रदेश में कैंसर के बढ़ते हुए मरीजों की संख्या चिंता का विषय है। प्रदेश में कैंसर की रोकथाम तथा उपचार के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी। मैं डॉक्टर राधाकृष्ण मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में 100 करोड़ की लागत से स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज के साथ स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना करने की घोषणा करता हूं। इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की सहायता से प्रदेश में बढ़ते कैंसर के रोगियों के कारणों का पता भी लगाया जाएगा। कैंसर पीड़ित मरीजों को प्रदेश में ही कीमोथेरेपी तथा पैलिएटिव केयर की सुविधा प्रदान करने के लिए जिला अस्पतालों तथा चयनित आदर्श स्वास्थ्य केंद्रों पर कैंसर डे केयर सेंटर्स की स्थापना की जाएगी। इन केंद्रों में कीमोथेरेपी ले रहे सभी मरीजों के लिए बेड्स का प्रावधान होगा तथा कीमोथेरेपी दवाओं को राज्य आवश्यक दवा सूची में सम्मिलित किया जाएगा ताकि मरीजों को कीमोथेरेपी के लिए अधिक पैसा व्यय न करना पड़े। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में कैंसर पीड़ित रोगियों के एडवांस रेडियोथेरेपी तकनीक से उपचार के लिए 21 करोड़ की लागत से एक लीनियर एक्सीलेटर मशीन स्थापित की जाएगी। पिछले बजट में घोषित 69 आदर्श स्वास्थ्य केंद्रों पर कार्य विभिन्न चरणों में है तथा इनमें से अधिकांश का कार्य 2024-25 में पूरा कर लिया जाएगा। इसी वर्ष मशीनरी और इक्विपमेंट की व्यवस्था करने के लिए 1 करोड़ रूपये प्रति केंद्र उपलब्ध करवाए जाएंगे। पिछले कई वर्षों से पीजीआई सैटेलाइट सेंटर ऊना में चल रहे सभी कार्यों को गति देने के लिए हमारी सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से पिछले कई वर्षों से लंबित एनवायरमेंटल क्लीयरेंस दिलवाई गई। इसमें शुरू किए गए सभी कार्यों को प्राथमिकता पर पूरा किया जाएगा। प्रथम चरण में मैं प्रदेश के 53 स्वास्थ्य संस्थानों में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सर्विस की स्थापना की जाएगी। इससे मरीजों को उनके डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो पाएगी। इस क्रम में लगभग 57 लाख प्रदेशवासियों का हेल्थ कार्ड आईडी बनाया जा चुका है। भारत हेल्थ का अकाउंट आईडी बनाया जा चुका है तथा शीघ्र ही सभी प्रदेशवासियों का आभा आईडी बना दिया जाएगा। यानी कि सभी जो प्रदेशवासी है 75 लाख की आबादी में हमारे 57 लाख के जो आबादी के लोग हैं उनका डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जा चुका है और जल्दी ही इसको 75 लाख की आबादी को बना दिया जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा और कमला नेहरू हॉस्पिटल शिमला में नवजात शिशु में स्तनपान को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा तथा जच्चा के लिए लोकेशन मैनेजमेंट सेंटर स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश के जिस स्वास्थ्य में शेर शोर भी सुनाते हैं प्रदेश के जिन स्वास्थ्य संस्थानों में एक्सरे की सुविधा नहीं है वहां के निवासियों की सुविधा के लिए प्राइवेट प्रैक्टिशनर के माध्यम से यह सुविधा प्रदान की जाएगी। शेयर इस बार कम है। आप ही सुना दो। दो हजार छब्बीस के अंत तक प्रदेश जिले में सोएंगे तो आप ही 2026 के अंत तक प्रत्येक जिले में सभी टेस्ट सुविधाओं से एक इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना की जाएगी। पिछले बजट में घोषित नाहन चंबा और हमीरपुर में नए नर्सिंग कॉलेजों में निर्माण कार्य आरंभ किया जाएगा। इसके साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ स्कूल को नर्सिंग कॉलेज में स्थानांतरित किया जाएगा। बद्दी ब्रोटीवाला नालागढ़ परमाणु पोंटा और ऊना औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत प्रवासी कामगारों की हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए एक गेस्ट वर्कर स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट आरंभ किया जाएगा। पिछली सभी सरकारों ने प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए बहुत सी योजनाएं आरंभ की है। ऐसी योजनाओं में से हिम केयर तथा सहारा 2019 में शुरू की गई और इनका लाभ भी जनसाधारण तक पहुंचा है, किंतु इनसे संबंधित
एम्पेरिकल डाटा के एनालिसिस के आधार के बाद इनके कार्यान्वयन में कुछ स्ट्रक्चरल तथा ऑपरेशनल समस्याएं उजागर हुई है। इनमें से प्रमुख समस्या है कि कन्वर्जेंस और टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन के अभाव में कुछ योजनाओं में डुप्लीकेशन हो रही है। मैं राष्ट्रीय स्तर के डोमेन एक्सपर्ट की सहायता से इन कमियों को दूर करके कुछ आवश्यक सुधार करने की घोषणा करता हूं, ताकि जरूरतमंद लोगों को उचित समय पर इन योजनाओं का लाभ मिल सके। तब तक इन दोनों योजनाओं का कार्यान्वयन यथावत होता रहेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में कुल 3,415 करोड़ रूपये प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, भारतीय प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि आज के बच्चे कल का भारत बनाएंगे। जिस तरह से हम उनका पालन पोषण करेंगे, वही देश का भविष्य तय करेगा। यह कथन आज के समय में और भी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि आज पूरी दुनिया में तकनीक के कारण जो परिवर्तन आ रहे हैं, उनकी गति और उनका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ रहा है। तेजी से बदलती इस नई दुनिया में एक अनिश्चित भविष्य के लिए बच्चों को तैयार करने में शिक्षा व्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। यह आवश्यक है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था समावेशी, समानतापूर्ण, फ्यूचर ओरिएंटेड, नई तकनीक के प्रति सजग और भारतीय जीवन मूल्यों के प्रति संवेदनशील हो। हमें प्राथमिक स्तर पर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के संवैधानिक मूल्यों के आत्मसात करने के लिए एक अनुकूल वातावरण का निर्माण करना होगा। भारत के संविधान में हम भारत के लोगों ने अपने लिए एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य का उद्देश्य तय किया है। हमारी शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य इस पावन भावना के अनुरूप विभिन्नता में एकता एवं बहुरंगी भारत के निर्माण के लिए बच्चों को तैयार करना है। मेरी सरकार चाहती है कि हिमाचल प्रदेश के बच्चे संविधान की मूल भावना के अनुरूप एक स्वस्थ जीवन दृष्टि विकसित करें तथा मूलभूत साक्षरता तथा संख्या ज्ञान से लेकर कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग तक हर कौशल में सर्वश्रेष्ठ बने। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमने शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार आरंभ किए हैं। प्राथमिक आरंभिक तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में उपलब्ध संसाधनों का साझा प्रयोग आज की आवश्यकता है। इस दृष्टि से प्रदेश में क्लस्टर प्रणाली आरंभ की गई है। इसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं तथा इसे और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। इन संस्थानों में उचित गुणवत्ता और साइज के क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम विद स्मार्ट बोर्ड्स, ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स, लर्निंग सॉफ्टवेयर, प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट्स, फुल स्ट्रेंथ ऑफ टीचर्स, प्लेग्राउंड, क्लीन टॉयलेट के साथ साथ अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। आज के ग्लोबल विश्व में यह अनिवार्य शर्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भी विश्व की नवीनतम तकनीक से घर बैठे जुड़ सके तथा आने वाले समय में दुनिया में कहीं भी अपनी क्षमता के आधार पर रोजगार एवं स्वरोजगार प्राप्त कर सके। इसलिए हमने पहली कक्षा से ही अंग्रेजी माध्यम का विकल्प दिया है। विभिन्न शोध यह स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि भाषा सीखने का सबसे अच्छा समय 12 वर्ष की आयु तक होता है। अतः पहली कक्षा से ही अंग्रेजी माध्यम का विकल्प समय की मांग है। इस निर्णय से प्रदेश के सभी बच्चों को और विशेष रूप से गांव के बच्चों को लाभ होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप प्रदेश में स्कूली स्तर पर 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली लागू की जाएगी, जिसमें 3 साल का प्री स्कूल बाल वाटिका पाठ्यक्रम भी शामिल होगा। प्रदेश में अभी 6,000 से अधिक प्राथमिक पाठशालाओं में प्री स्कूल चलाए जा रहे हैं। इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 6,000 नर्सरी टीचर नियुक्त किए जाएंगे। पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी नर्सरी अध्यापक बनने का अवसर दिया जाएगा और इसके लिए उन्हें ब्रिज कोर्स भी करवाया जाएगा। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए पहली कक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कम से कम 6 वर्ष की आयु तय की गई है और प्री प्राइमरी की 3 कक्षाओं में प्रवेश के लिए क्रमशः 3, 4 और 5 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है। पूरे प्रदेश में शिक्षा संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से पूर्व निर्धारित मापदंडों के अनुसार
इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। वर्ष 2024-25 में 850 शिक्षण संस्थानों को आईओई बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से प्राय 500 प्राइमरी स्कूल, 100 हाई स्कूल, 200 सीनियर सेकेंडरी स्कूल और 50 डिग्री कॉलेज शामिल है। इन संस्थानों में अध्यापकों के सभी स्वीकृत पदों को भरने के साथ साथ स्मार्ट क्लासरूम तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। निर्धारित मापदंडों के आधार पर इन संस्थानों का पीरियोडिक मूल्यांकन किया जाएगा। प्रदेश के सभी स्कूलों और कॉलेज के प्रिंसिपल ऑब्लिक हेडमास्टर शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक नेतृत्व प्रदान कर सके, इसके लिए स्कूल ऑब्लिक कॉलेज लीडरशिप प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। स्कूल और समाज के भीतर बेहतर तालमेल के लिए तथा सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए अपना विद्यालय मेरा सम्मान योजना आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। इसमें जहां एक और मुख्यमंत्री से लेकर खंड स्तरीय अधिकारी तक सभी विधायक तथा तक सभी एक एक शिक्षा संस्थान को गोद लेंगे, वहीं दूसरी ओर समुदाय को स्कूलों से जोड़ा जाएगा। इसमें पात्र एवं इच्छुक व्यक्तियों द्वारा निःशुल्क शिक्षा प्रदान किए जाने की व्यवस्था भी की जाएगी, यानी कि कोई भी विधायक है वो एक स्कूल को गोद ले सकता है और अधिकारी भी। प्रत्येक उपमंडल में उपमंडल अधिकारियों को सभी प्राइमरी स्कूलों का महीने में एक दिन बारी बारी से अनिवार्य रूप से रिव्यू मीटिंग का आयोजन करना होगा। इस बैठक में उस स्कूल में न केवल विद्यार्थी बल्कि अध्यापकों की परफॉर्मेंस का भी रिव्यू किया जाएगा। अभिभावकों के साथ भी इस बैठक में संवाद किया जाएगा। इसी बैठक में स्कूल के रखरखाव के बारे में भी उचित निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश के सभी शिक्षा संस्थानों की वार्षिक रैंकिंग और उनके लिए परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट की व्यवस्था की शुरुआत की जाएगी। इस सारी व्यवस्था को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विकसित किया जाएगा तथा इसे आम जनता तथा अभिभावकों से भी साझा किया जाएगा। इसके लिए एक वेबसाइट बनाई जाएगी। शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार करते हुए गुणात्मक शिक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। अभी तक लिए गए निर्णयों में वर्ष में कुल अध्यापन दिवस बढ़ाना, खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का निश्चित समय तय करना, शिक्षकों के गैर शिक्षण कार्यों में निरंतर कमी करना, मिड डे मील में रिकॉर्ड की औपचारिकताओं को पूरा करना शामिल है। अध्यापकों को विद्यालय में भवन निर्माण कार्यों से अलग रखने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। एक ही सूचना को बार बार मंगाए जाने की प्रथा पर रोक लगा दी गई है। यह भी देखा गया है कि आमतौर पर हर स्कूल का एक अध्यापक लगभग नियमित रूप से डाक लेकर स्कूल से अनुपस्थित रहता था। इस व्यवस्था पर भी पूर्णतया रोक लगा दी गई है। अध्यापकों और बच्चों में अपने विद्यालय के प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न हो, इसके लिए विद्यालयों को अभिभावकों के साथ मिलकर बच्चों के लिए अपनी पसंद की वर्दी चुनने का अधिकार भी दिया गया है। आगामी वर्ष में शिक्षा में बेहतरी के लिए प्राथमिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर की प्रक्रिया संरचना और नियमावली का पूर्ण परीक्षण करके आवश्यक बदलाव और व्यवस्था परिवर्तन किया जाएगा। शेर है ये पूर्ण। नहीं मेरे मोबाइल अभी तो अपनी मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तोलना आसमान बाकी है। यह अभी
ऐसा अभी तो अभी तो अभी तो 14 आपकी नींद हराम हो गई है। पढ़ने पढ़ाने की संस्कृति के विकास के लिए ये जो बजट है या आत्मनिर्भर हिमाचल और युवा जो पीढ़ी है उनके भविष्य की शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव है। इसको आप आराम से समझिए और पढ़िए और आप भी महसूस करेंगे ये महत्वपूर्ण बदलाव आज के 40 साल की व्यवस्था परिवर्तन में जरूरी है। पढ़ने पढ़ाने की संस्कृति के विकास के लिए प्रदेश में वर्ष 2024 में पढ़ो हिमाचल के नाम से एक व्यापक जन अभियान आरंभ किया जाएगा। इन अभियानों में विद्यालयों के साथ साथ ग्रामीण एवं शहरी जन समुदाय को भी जोड़ा जाएगा। इस अभियान के तहत प्रदेश के 500 शिक्षा संस्थानों में सामान्य पाठकों और विशेष रूप से युवाओं के लिए रीडिंग रूम बनाए जाएंगे तथा इन्हीं शिक्षा संस्थानों के पुस्तकालयों के चलाने में आम जन की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा। मैं प्रत्येक जिला व उपमंडल मुख्यालय और पंचायत स्तर पर एक आधुनिकतम सुविधा सहित पुस्तकालय तथा वाचनालय बनाने की घोषणा करता हूं। पंचायत स्तर पर यह कार्य चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। प्रथम चरण में पंचायत स्तर पर 493 पुस्तकालयों का निर्माण करके इनमें पुस्तकें तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएगी जिस पर 88 करोड़ रूपये व्यय किए जाएंगे। शिक्षा स्तर में सुधार लाने में प्रशिक्षित अध्यापकों का मुख्य योगदान है, अतः अध्यापकों के प्रशिक्षण को और अधिक रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग डाइट तथा स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च के नियमों में बदलाव लाकर इन्हें और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। इसी तरह से प्रदेश में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग का पुनर्गठन करके इसे क्रियाशील किया जाएगा। जिन स्थानों पर छात्रों और छात्राओं के लिए अलग अलग स्कूल अथवा महाविद्यालय चल रहे हैं, स्थानीय निवासियों की मांग पर आवश्यकता अनुसार उन दोनों को मिलाकर एक को एजुकेशनल शैक्षणिक संस्थान चलाने की शुरुआत की जाएगी। इससे छात्र व छात्राओं के शैक्षणिक विकास के साथ साथ उनका मनोवैज्ञानिक विकास होगा तथा व्यक्तित्व उभरेगा। इसके साथ ही जिन क्षेत्रों में 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में कोई प्राथमिक शिक्षा विद्यालय ना हो वहां के बच्चों को नजदीक के स्कूल तक लाने और वापिस घर छोड़ने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, एक अनुमान के अनुसार जल रहित रोगों से प्रति भारत को 49 अरब 78 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। भारत के 2/3 जिले पानी की कमी से जूझ रहे हैं। बच्चों को पीने के लिए साफ पानी मिले इसके लिए प्रदेश व्यापी अभियान चलाया जाएगा तथा सरकारी स्कूलों के 8,50,000 से अधिक बच्चों के लिए मैं एक सुरक्षित एवं स्वच्छ पानी की बोतल उपलब्ध करवाने की घोषणा करता हूं। प्रदेश में पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रम का संवैधानिक मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में पुनः मूल्यांकन किया जाएगा। इससे प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का समावेश भी किया जाएगा। इसके लिए 5वीं कक्षा से हिमाचल के इतिहास एवं संस्कृति, भारतीय संविधान, स्वास्थ्य, बेसिक हाइजीन तथा अन्य सामान्य ज्ञान के विषयों पर अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम आरंभ किया जाएगा। सभी विद्यालयों में खेलों तथा व्यायाम के लिए प्रतिदिन कम से कम 1 पीरियड अनिवार्य किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार फिजिकल एजुकेशन टीचर की नियुक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। 500 बच्चों से अधिक वाले स्कूलों में स्वयं सहायता समूह को मिड डे मील के अंतर्गत भोजन बनाने और परोसने में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल नैक उच्च शिक्षा में प्रदेश की स्थिति को जांचने एवं इससे किए जा रहे प्रयासों को आंकने का एक अच्छा माध्यम है। 2024-25 में
नैक एक्रीडेशन के लिए प्रदेश के सभी पात्र कॉलेजों द्वारा अपनी दावेदारी प्रस्तुत की जाएगी। 2024-25 के लिए प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार को वित्त पोषण के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत 1052 करोड़ रूपए तथा स्टार प्रोजेक्ट के तहत 400 करोड़ रूपए का प्रस्ताव भिजवाया गया है। इसके अतिरिक्त पीएम उषा के तहत 1000 करोड़ रूपए का प्रस्ताव तथा पीएम श्री के तहत 470 करोड़ रूपए का अनुदान का प्रस्ताव भी भारत सरकार के विचाराधीन है। मुझे आशा है कि भारत सरकार इन प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करेगी। पिछली सरकार ने प्रदेश में 3 स्थानों पर अटल आदर्श विद्यालय बनाने आरंभ किए थे। मेरी सरकार इन्हें पूरा करने के लिए न केवल आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाएगी बल्कि इन्हें क्रियाशील भी करेगी। राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल तथा एक अटल आदर्श विद्यालयों के लिए कर्मचारियों का एक विशेष कैडर बनाया जाएगा तथा इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर उत्कृष्ट शिक्षा संस्थानों के रूप में विकसित किया जाएगा। मैं प्रथम चरण में प्रदेश में 10 राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल क्रमशः लाडू, नगरोटा बगवा, कांगड़ा, अमलैट, भोरन, संगनाई, फतेहपुर 5 और का निर्माण आरंभ करने की घोषणा करता हूं। 5 और के नाम नहीं लिखे हैं। शिक्षा क्षेत्र में कुल 9,560 करोड़ रूपए प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार अवसर के लिए तैयार करने के उद्देश्य से मार्केट डिमांड के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। मैं इसी उपक्रम में निम्न घोषणाएं करता हूं। राजीव गांधी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज नगरोटा बगवा में कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस में डीप बीटेक और डिप्लोमा कोर्स शुरू किए जाएंगे। राजकीय बहुतकनिकी सुंदर नगर में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया जाएगा। राजकीय बहुतकनिकी हमीरपुर तथा तलवाड़ में कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड आईओटी में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज प्रकृति नगर कोटखाई में सिविल इंजीनियरिंग के बीटेक और डिप्लोमा कोर्स आरंभ किए जाएंगे। राजकीय बहुतकनिकी जिंदौर में आरंभिक सत्र 2024 से कक्षाएं आरंभ कर दी जाएगी। बुझा दो नरेश, जो बेसिक कोर्स होंगे अच्छे, जो आप बोलेंगे। श्रम विभाग की EMIS पोर्टल पर अभी तक 448 एम्प्लायर्स को जोड़ा जा चुका है। इसमें निजी क्षेत्र के और एम्प्लायर्स को जोड़ा जाएगा तथा इसके माध्यम से 2024-25 में 180 कैंपस इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। असंगठित क्षेत्र के कामगारों को हितों को ध्यान में रखते हुए 2024 के अंत तक इस क्षेत्र के 20,87,000 कामगारों को पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त श्रम एवं रोजगार विभाग की रोजगार पंजीकरण पोर्टल को कॉमन सर्विस सेंटर के साथ भी लिंक किया जाएगा ताकि प्रदेश के युवा इन केंद्रों के माध्यम से पंजीकरण करवा सके। यानी कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अलावा लोक मित्र केंद्र है, वहां भी एम्प्लॉयमेंट कोई व्यक्ति अपना नाम रजिस्टर करवा सकेगा। तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में कुल 330 करोड़ रूपये प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में वृद्धावस्था, विधवा, एकल नारी, दिव्यांग, कुष्ठ रोगी तथा ट्रांसजेंडर पेंशन के 7,84,000 लाभार्थियों के लिए लगभग 1,260 करोड़ रूपये व्यय किए जा रहे हैं। 2024-25 में 40,000 नए पात्र लाभार्थियों को इस योजना में सम्मिलित किया जाएगा, जिस पर लगभग 70 करोड़ रूपये अतिरिक्त व्यय किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में अभी तक दिव्यांग जनों की उच्च शिक्षा के लिए कोई भी शिक्षा संस्थान उपलब्ध नहीं है। मैं प्रदेश में दिव्यांग जनों की उच्च शिक्षा के लिए कंडा घाट में एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर एजुकेशन फॉर ऑफ दिव्यांग जनों की स्थापना करने की घोषणा करता हूं। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल
डिसेबिलिटीज को भी इस केंद्र में स्थानांतरित किया जाएगा। इस केंद्र में 0 से 27 वर्ष की आयु के दिव्यांग बच्चों के लिए आवासीय सुविधाएं, खेल मैदान तथा सभी अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएगी। जिन पात्र दिव्यांग बच्चों के लिए रहने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, उन्हें रहने के लिए किराए के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रदेश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण की ओर ले जाने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर सभी सुविधाओं सहित कंडा घाट में एक आदर्श नशा निवारण केंद्र की स्थापना की जाएगी। इस केंद्र में पुस्तकालय, जिम, इंडोर तथा आउटडोर खेलों इत्यादि की सुविधा देने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि यह केंद्र सड़क से जुड़ा हो तथा कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अथवा सिविल हॉस्पिटल इस केंद्र के आसपास हो, जिसमें अन्य सुविधाओं के साथ साथ संबंधित परामर्श की सुविधा भी उपलब्ध होगी। प्रदेश के युवाओं तथा अन्य हितधारकों की जागरूकता के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जाएगा। उपमंडल स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के अधिकारियों की भागीदारी से एक इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम की स्थापना की जाएगी। अभी नशा निवारण केंद्र तो बहुत है, लेकिन वो मकानों में बंद कमरों में चल रहे हैं, तो किसी की नशे की अगर लत को छुड़ाना है तो उसके लिए थोड़ा ओपन स्पेस भी चाहिए, खेलने की सुविधा भी हो। तो पहला हिमाचल प्रदेश का नशा निवारण केंद्र जो निर्माण केंद्र है, आधुनिक सुविधाओं से लैस, इसको हम यहाँ हिमाचल प्रदेश में बनाने जा रहे हैं। अध्यक्ष कंडागढ़ में, अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का व्यापक विस्तार हुआ है तथा इसके माध्यम से प्रदेश के सभी वर्गों को समय पर उचित सुविधा पहुंचाने के लिए हमारी सरकार सदा से प्रयत्नशील रही है। मैं एक नई योजना मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना आरंभ करने की घोषणा करता हूं। इसके अंतर्गत प्रदेश में 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी एवं ऐसे कृषकों एवं वृद्धों जो कि आय कर ना दे रहे हों अथवा कोई पेंशन ना ले रहे हों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही मैं एक नई योजना मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना आरंभ करने की भी घोषणा करता हूं। इसके अंतर्गत प्रदेश में सभी विधवाओं के 27 साल तक की आयु वाले बच्चे जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय, जितनी भी विधवाएं हैं, एकल नारी या जिन, इसके अंतर्गत प्रदेश में ऐसी सभी विधवाओं के 27 साल तक की आयु वाले बच्चे जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम हो कि शिक्षा पर होने वाले सभी बाला व्यय प्रदेश सरकार वहन करेगी। इन बच्चों को मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, NIT, IIM, IIT, नर्सिंग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलने पर यह सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त विधवा, निराश्रित, तलाकशुदा और अक्षम माता पिता के सभी पात्र बच्चों के RD खाते में 18 वर्ष की आयु तक 1,000 रूपया प्रति माह दिया जाएगा। इसके साथ ही सभी पात्र महिलाओं के स्वास्थ्य बीमा का वार्षिक प्रीमियम भी राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस पर लगभग 41 करोड़ रूपये अतिरिक्त व्यय किए जाएंगे, यानी कि जिन विधवाओं की विभिन्न स्रोतों से आय 1 लाख रूपये से कम है, उनके सभी बच्चों को हिमाचल प्रदेश सरकार फ्री एजुकेशन देगी और 18 वर्ष से कम बच्चों वालों को 1,000 रूपया प्रतिमाह उनकी RD में जमा कराया जाएगा। दुनिया में कुछ ही लोग बदलाव लाते हैं, बाकी सब तो जिंदगी गुजार कर चले जाते हैं। सामाजिक सुरक्षा हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक समय तक पहुंचने के लिए हमारी सरकार कृतसंकल्प है। मैं यहां भी घोषणा करता हूं कि जिला विकास समिति की बैठक समय पर न आने, मुख्यमंत्री महोदय, ये रिएक्शन कोई नहीं हुआ, आपके अनुरोध पर था, ये शेर आपके अनुरोध पर था ये।
जिला विकास तो नहीं बोलोगे शेर सुनना है। जिला विकास विकास समिति की बैठक समय पर ना होने अब तो आ गई है काफी। जिला विकास समिति की बैठक समय पर ना हो पाने की स्थिति में संबंधित जिलों के उपायुक्त को इन योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न लाभार्थियों को दिए जाने वाले लाभों को स्वीकृत करने की शक्तियां दी जाएगी। ऐसी परिस्थिति में दी गई स्वीकृतियों पर जिला कल्याण समिति की होने वाली आगामी बैठक में अनिवार्य रूप से अनुमोदन प्राप्त करना होगा। अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित लाभार्थियों के लिए चलाए जा रहे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्सेज में बाजार मांग के अनुरूप जीएसटी टैली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा मैनेजमेंट मशीन लर्निंग साइबर सिक्योरिटी ऑटो कैड इत्यादि नए कोर्सेज को सम्मिलित किया जाएगा ताकि इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित लाभार्थियों को उचित रोजगार प्राप्त हो सके। सामाजिक सुरक्षा महिला बाल एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कुल 2457 करोड़ रूपये प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, अत्यधिक वर्षा से आई आपदा के चलते हमारी सरकार ने द्वारा आपदा प्रभावित परिवारों के लिए तुरंत प्रभाव से राशन एलपीजी गैस कनेक्शन तथा सिलेंडर बिना किसी दाम के उपलब्ध करवाए गए। हमारी सरकार द्वारा की गई यह छोटी सी सहायता पीड़ित परिवारों के लिए संकट के समय एक बड़ा सहारा बनी। राशन डिपुओं के माध्यम से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मानदंडों के अनुसार विटामिन ए और डी से फोर्टिफाइड सरसों का तेल और रिफाइंड तेल दिया जा रहा है। अभी तक यह तेल उपभोक्ताओं को राशन डिपो से सीमित मात्रा में ही उपलब्ध होता है। शादी विवाह त्योहार व अन्य समारोह में उपभोक्ताओं को यह तेल खुले बाजार से ऊंचे दामों पर खरीदना पड़ता है। मैं घोषणा करता हूं कि 1 अप्रैल 2024 से सभी उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार राशन डिपो से यह तेल प्राप्त कर सकेंगे। इससे राज्य की महिलाओं को लगभग 100 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और सुदृढ़ बनाने के लिए इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा तथा वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत नेशनल पोर्टेबिलिटी को और सुदृढ़ किया जाएगा। इससे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार राशन वितरण को पारदर्शी बनाने में सहायता मिलेगी। इसी के अंतर्गत वेब आधारित केवाईसी का प्रावधान किया जाएगा जिससे इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी के तहत लाभार्थियों को इस योजना से लाभ किसी भी राज्य में मिल सकेंगे। मिलों से आवंटित आटे की गोदाम बार निगरानी भी सुनिश्चित की जाएगी। खाद्य उपदान के लिए कुल 200 करोड़ रुपए से अधिक व्यय किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष प्रत्येक ब्लॉक में निर्मित किए जा रहे प्लास्टिक बेस्ड मैनेजमेंट यूनिट्स को 2024-25 में ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा। इसके ऑपरेशंस में बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सुनिश्चित की जाएगी ताकि इनका लाभ और अन्य क्षेत्रों तथा समुदाय को भी मिल सके। सभी जिलों में एक मॉडल पंचायत के लक्ष्य को पूरा करने के बाद इस मॉडल को कन्वर्जेंस के माध्यम से अन्य पंचायतों में चरणबद्ध ढंग से रेप्लीकेट किया जाएगा। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से 2024-25 में 5000 अतिरिक्त गांवों को ODF प्लस ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस डिक्लेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त भूमि उपलब्धता के आधार पर कम से कम 4 साइट पर फेकल स्लज मैनेजमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे। 2024-25 में ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 स्वयं सहायता समूह बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इन समूह को लगभग 32 करोड़ रुपए की राशि के रूप में रिवॉल्विंग फंड तथा कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में देने के साथ साथ इन्हें लगभग 50 करोड़ रुपए का ऋण देने का भी लक्ष्य रखा गया है। स्वयं सहायता समूह पर लगभग 100 करोड़ रुपया व्यय किए जाएंगे। सभी पंचायतों के अकाउंट ई ग्राम स्वराज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से जोड़ दिए जाएंगे। इसके माध्यम से सभी पंचायतों इसके माध्यम से सभी पंचायतों के संसाधन तथा व्यय की मॉनिटरिंग के लिए इस प्रणाली को और सुदृढ़ किया जाएगा। 2024-25 में पंचायती राज संस्थानों के लिए 352 करोड़ रूपए 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप तथा 448 करोड़ रूपए 6ठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर व्यय किए जाएंगे।
पूर्व की यूपीए सरकार द्वारा आरंभ किया गया महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट मनरेगा ग्रामीण रोजगारों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। मनरेगा कामगार इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने के साथ साथ पब्लिक एसेट्स बनाने का कार्य भी कर रहे हैं। मैं मनरेगा कामगारों की दिहाड़ी, जो गांव में मनरेगा की दिहाड़ी है, पिछली बार 16 बढ़ाई थी, मैं मनरेगा कामगारों की दिहाड़ी वर्तमान में 240 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए करने की घोषणा करता हूं, पूरे 60 रुपए बढ़ाए। इस प्रकार सरकार मनरेगा कामगारों को 76 रुपए प्रतिदिन अपने संसाधनों से देगी। अब शेर सुन लो, इस पर रुकना हो अगर तो सो बहाने, जाना हो तो रास्ते बड़े हैं। मतलब अगर रुकना है तो बहाने, कोई योजना लागू करनी ना हो तो बहाने बहुत है। हमने 300 रुपया हिमाचल प्रदेश में, या एक ऐतिहासिक वृद्धि है जो आज से पहले नहीं की गई है। इस वृद्धि से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, अभी समझाता हूं, अगले में समझाना। हिमाचल प्रदेश में यह एक ऐतिहासिक वृद्धि है जो कि आज से पहले नहीं की गई। इस वृद्धि से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में गति मिलेगी। इसी के साथ जो मनरेगा में काम करने वाली महिलाएं होती है, इसी के साथ ऐसी विधवा, एकल, बेसहारा, दिव्यांग महिला मनरेगा कामगार जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो तथा वर्ष में 100 दिन की मजदूरी पूरी कर चुकी हो, को मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। बशर्त है या सहायता किसी और कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त न हो, यानी कि 60 रुपए भी बढ़ाए, जो होगी 2.5 लाख से कम विधवा है उसको 3 लाख रुपया सहायता दी जाएगी। मैं पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने की सहर्ष निम्न घोषणाएं करता हूं। अध्यक्ष, जिला परिषद को 4000 बढ़ोतरी के साथ 24000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। उपाध्यक्ष जिला परिषद को 3000 बढ़ोतरी के साथ 18000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। सदस्य, जिला परिषद को 13000 बढ़ोतरी के साथ 1300 रुपये बढ़ोतरी के साथ 7800 रुपये प्रति मानदेय मिलेगा। अध्यक्ष, पंचायत समिति को 1900 रुपये बढ़ोतरी के साथ 11400 रुपया प्रति माह मानदेय मिलेगा। उपाध्यक्ष, पंचायत समिति को 1400 रुपये बढ़ोतरी के साथ 8400 रुपया प्रति माह मानदेय मिलेगा। सदस्य, पंचायत समिति को 1200 रुपया बढ़ोतरी के साथ 7200 रुपया प्रति माह मानदेय मिलेगा। पंचायत, ग्राम पंचायत को 1200 रुपये बढ़ोतरी, प्रधान ग्राम पंचायत को 1200 रुपये बढ़ोतरी के साथ 7200 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। उप प्रधान ग्राम पंचायत को 800 रुपया बढ़ोतरी के साथ 4800 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। सदस्य, ग्राम पंचायत को 250 रुपये बढ़ोतरी के साथ 750 रुपये प्रति ग्राम पंचायत बैठक हेतु मानदेय मिलेगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के लिए कुल 2356 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, 2024-25 से घर बनाने के लिए नक्शों की स्वीकृति ऑटो डीसीआर के माध्यम से एक सिंगल पोर्टल पर प्रदान की जाएगी। यदि घर का नक्शा इस पोर्टल पर अपलोड करने के बाद कोई भी कमी पाई जाती है तो आवेदक उसे ऑनलाइन देखकर ही आवश्यक दस्तावेज जमा करवा पाएंगे। इसी पोर्टल के माध्यम से प्राइवेट प्रोफेशनल्स 500 वर्ग मीटर तक के आवासीय नक्शे की अनुमति भी दे पाएंगे। मैं स्थानीय नगर निकायों के प्रतिनिधियों को प्रति माह दिए जाने वाले मानदेय को निम्न प्रकार से बढ़ाने की सहर्ष घोषणा करता हूं। पानी भी लेता हूं ना, वोकल कोड सूख जाती है तो थोड़ा। एमएलओ से तो काट के दे रहा हूं, एमएलओ से ही काट के आ रही है कि एमएलओ की जो महापौर नगर निगम को
4000 रूपये बढ़ोतरी के साथ 24000 रूपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। उप महानगर नगर निगम को 3000 बढ़ोतरी के साथ 18000 रूपया प्रति माह मानदेय मिलेगा। काउंसलर नगर निगम को 1400 रूपये बढ़ोतरी के साथ 8400 रूपये प्रति मानदेय मिलेगा। अध्यक्ष नगर परिषद को 1700 रूपये बढ़ोतरी के साथ 10200 रूपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। उपाध्यक्ष नगर परिषद को 1400 रूपये बढ़ोतरी के साथ 8400 रूपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। पार्षद नगर परिषद को 700 रूपये बढ़ोतरी के साथ 4200 रूपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। प्रधान नगर पंचायत को 1400 रूपये बढ़ोतरी के साथ 8400 रूपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। उप प्रधान नगर पंचायत को 1100 रूपये बढ़ोतरी के साथ 6600 रूपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। सदस्य नगर पंचायत को 700 रूपये बढ़ोतरी के साथ 4200 रूपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। शहरी क्षेत्रों में हम डेमोक्रेसी के सभी इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना चाहते हैं, हम उसको कमजोर नहीं करना चाहते। शहरी क्षेत्रों में नहीं, एमएलओ से तो काट कर दे रहा हूं इनको। शहरी क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन को और सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा उस पर निगरानी के लिए राज्य विकास निदेशालय में एक पर्यावरण सेल की स्थापना की जाएगी। शहरी निकायों के कार्य में सुधार तथा आम जनता की सुविधा के लिए शहरी निकायों की कार्यप्रणाली को डिजिटलाइज किया जाएगा। इसके लिए राज्य स्तर पर एक स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी, जो कि एक्सपर्ट्स के माध्यम से शहरी निकायों की कार्यप्रणाली को ऑनलाइन प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग तथा रिपोर्टिंग में सहायक सिद्ध होगी। इसी पहल के अंतर्गत शहरी निकायों में विभिन्न शुल्क एवं टैक्स ऑनलाइन इकट्ठे किए जा सकेंगे तथा विभिन्न सर्टिफिकेट एवं एनओसी ऑनलाइन जारी किए जा सकेंगे। इसी के अंतर्गत शहरी निकायों के अकाउंट्स को डिजिटाइज किया जाएगा। एजी सैक की सहायता से सभी शहरी निकायों में परिसंपत्तियों की जीआईएस मैपिंग की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं वाल्मीकि समाज के भाइयों तथा कामगारों के लिए आवास निर्माण में सहायता के लिए नई योजना महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना आरंभ करने की घोषणा करता हूं। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी थे, मैं आज उनके नाम से महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना आरंभ करने की घोषणा कर रहा हूं। अभी अभी राम मंदिर भी बना, तो इसके अंतर्गत वाल्मीकि समाज के ऐसे सफाई कर्मचारी जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो तथा उनके पास अपना घर ना हो को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मैं मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के अंतर्गत ऐसे सभी लाभार्थियों जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो को गृह निर्माण के लिए दी जा रही 1.5 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने की घोषणा करते हैं। जितने भी विधवाएं हैं उनको घर बनाने के लिए जो 1.5 लाख रुपए की राशि मुख्यमंत्री के द्वारा हमने शुरू की है, उसमें उनको घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए की राशि दी जाएगी और उनकी आय की सीमा भी हमने तय की है कि 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। सुनो, असर है ये हमारी दस्तकों का जहां दीवार थी दर हो गया। हमारी सरकार ने नए रास्ते बनाए हैं, बदलते समय के मुताबिक काम शुरू किया, बाधाओं को खत्म कर दिया। जहां दीवार नजर आती थी आपको वहां दरवाजा बन गया। अच्छा,
लिए बना रहे हैं आपको। विक्रम जी यहाँ आ जाओ, इसके लिए दरवाजा बना रहे हैं। मेरे तो आप शुभचिंतक, मेरे तो आप शुभचिंतक है। अच्छा सुनो, नहीं नगर निगम धर्मशाला सोलन और शिमला नगर, मेरे तो शुभचिंतक सबसे ज्यादा विपिन परमार जी है, सत्ती जी है, रणधीर जी है, विक्रम जी है, सब है। बीजेपी तो पुराने यूनिवर्सिटी के साथी है। नगर निगम धर्मशाला शिमला, धर्मशाला सोलन और शिमला नगर परिषद नालागढ़ और परमाणु में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस से संबंधित ऐसे व्यक्तियों को मकान आवंटित किए जाएंगे जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम हो, पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी वर्ग तथा विधवाएं, निराश्रित महिलाएं, दिव्यांगों को प्राथमिकता दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन तथा एनडीबी और एडीबी के माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पेयजल सुविधाएं प्रदान की जा रही है। 2024-25 में किन्नौर, चंबा और लाहौल व स्पीति में 29 करोड़ की लागत से 4 एंटी फ्रीज पेयजल परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से 24 तथा एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से 186 पेयजल योजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर है तथा इन्हें तय समय सीमा के भीतर ही पूरा कर लिया जाएगा। इन दोनों के माध्यम से 20,663 परिवार पार्शली कवर्ड स्कीम से लाभान्वित होंगे तथा 69,282 परिवार फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन से लाभान्वित होंगे। कोड सुविधा, वोकल कोड सुखती है ना। शहरी क्षेत्रों में पेयजल योजना आपूर्ति में सुधार के उद्देश्य से मैं 2024-25 के लिए निम्न घोषणाएं करता हूं। चार शहरों क्रमशः ज्वाली, हमीरपुर, बैजनाथ, पपरोला तथा नेरचौक में 135 लीटर पर कैपिटा पर डे की क्षमता वाली पेयजल योजनाओं का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसी प्रकार अम्ब और भुंतर के लिए 33 करोड़ की लागत से पेयजल योजनाओं के कार्यान्वयन को गति दी जाएगी और प्रयास रहेगा कि 2024-25 के अंत तक इसका कार्य पूरा कर लिया जाए। 112 करोड़ की लागत से नहान, अर्की, निर्मण, पालमपुर और जोगिंदर नगर के लिए पेयजल सुधार योजनाओं का कार्य शीघ्र आरंभ कर दिया जाएगा। मेरे पिछले बजट में घोषित 24x7 पेयजल योजनाओं के कार्यान्वयन की दिशा में रामपुर में वार्ड नंबर 6 और 7, नालागढ़ और चंबा में पेयजल योजनाओं का कार्य आरंभ कर दिया गया है तथा अन्य 9 शहरों में इन कार्यों को शीघ्र आरंभ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पेयजल की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में मेरे द्वारा की गई घोषणाओं को पूरा किया गया है तथा स्थानीय महिलाओं की भागीदारी से विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटीज का गठन करने के बाद महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। अब तक 69 टेस्टिंग लैब स्थापित की जा चुकी है जिनमें से 62 की एक्रीडेशन नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन द्वारा की जा चुकी है। 2024-25 में इस व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा ताकि प्रदेश की जनता को स्वच्छ एवं कीटाणु रहित पेयजल उपलब्ध हो सके। पिछले बजट में घोषित एसओपी के अनुसार पेयजल योजनाओं तथा एसटीपी में यूवी सिस्टम लगाने के लिए 37 ऐसी साइट्स की पहचान की गई है जहां जल स्रोतों में या तो कंटेमिनेशन है या इसकी संभावना है। इन साइट्स पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से यूवी सिस्टम लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। गगरेट, डलौजी, चुवाड़ी, रवालसर, भोटा, संतोखगढ़, बैजनाथ, पपरोला और नेरचौक में सीवरेज परियोजनाओं पर चल रहे कार्यों को गति दी जाएगी तथा उन्हें 2024-25 में पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे। राजगढ़, बंजार, चौपाल, निर्वा तथा शाहपुर में सीवरेज परियोजनाओं के निर्माण का कार्य 2024-25 में पूरा किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त नाबार्ड द्वारा स्वीकृत 16 ग्रामीण क्षेत्रों में सीवरेज परियोजनाओं के निर्माण के कार्य को 2024-25 में भी अवार्ड कर दिया जाएगा। एएफडी द्वारा 817 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत मनाली, पालमपुर, नहान, करसोग तथा बिलासपुर के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट और मनाली के लिए इस
पेयजल योजना स्वीकृत की गई है। इनमें से मनाली सीवरेज नेटवर्क का कार्य प्रगति पर है तथा शेष कार्य को शीघ्र ही आरंभ कर दिया जाएगा। शेर बहुत आगे है पर सुनाए कौन सा। आप सुना देना हम आपको परेशानी तो करने आए हैं। 380 करोड़ रुपए की लागत से 14 सरफेस माइनर इरिगेशन स्कीम का कार्य विभिन्न चरणों में है। इनमें फिट नहीं बैठना, जब फिट बैठेगा तब आऊंगा। इन योजनाओं के माध्यम से लगभग 9,700 हेक्टेयर का सीसीए उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत स्वीकृत इन योजनाओं को भारत सरकार द्वारा जारी धनराशि के आधार पर गति दी जाएगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत स्वीकृत 4 योजनाओं में से लाभरंग गार्डन कॉलोनी तथा पू के लिए स्वीकृत योजना को पूरा करने के लिए लगभग 53 लाख की राशि ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम से उपलब्ध करवा दी गई है। 644 करोड़ रुपए की लागत से फीना सिंह बहुउद्देश्य मध्यम सिंचाई परियोजना को सचिव डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन की अध्यक्षता में हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सेलरेटेड इंटीग्रेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के अंतर्गत फंडिंग के लिए अनुशासित किया गया। इसके निर्माण से 4,025 हेक्टेयरों का सीसीए उपलब्ध होगा तथा इसके साथ ही 1.88 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन होगा। इस परियोजना पर राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से लगभग 290 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है। केंद्र द्वारा धनराशि के आधार पर इस परियोजना के कार्यान्वयन को गति दी जाएगी। जल शक्ति के लिए कुल 3,365 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, मानसून आपदा के चलते प्रदेश में सड़कों तथा पुलों को व्यापक नुकसान पहुंचा। हमारी सरकार द्वारा बिना समय गवाए राहत और पुनर्निर्माण कार्य शुरू किया गया तथा बहुत ही कम समय में सभी मुख्य सड़कें ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। छोटी सी अवधि में 18 वैली ब्रिज एवं 27 रोपवे झूलों की सहायता से क्षतिग्रस्त सड़कों को बहाल किया गया। मैं इस सदन के माध्यम से ऐसे सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों तथा सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का, जिन्होंने दिन रात प्रदेश की जनता के साथ खड़े होकर बहाली का काम किया, दिल से धन्यवाद करता हूं। रेलवे तथा जल परिवहन के अभाव में प्रदेश को एक मजबूत सड़क नेटवर्क की आवश्यकता है। पिछले लगभग 53 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश में बहुत सी नई सड़कें बनी तथा उनके माध्यम से बहुत से गांव जुड़े। वर्तमान में 40,703 किलोमीटर मोटर योग्य सड़कें, 34,055 किलोमीटर पक्की सड़कें तथा 2,478 पुल है। कुल 3,615 ग्राम पंचायतों में से 3,578 ग्राम पंचायतों को मोटर योग्य अथवा जीप योग्य सड़कों से जोड़ा जा चुका है। शेष बची पंचायतों में से 10 और पंचायतों को 2024-25 में मोटर योग्य सड़क से जोड़ दिया जाएगा। हमारी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 3 के अंतर्गत 2,683 किलोमीटर लंबी 254 सड़कों के लिए 2,643 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त की गई है। इस योजना के अंतर्गत 2024-25 में निम्नलिखित कार्य पूर्ण किए जाएंगे। 500 किलोमीटर लंबी सड़कों की अपग्रेडेशन होगी, 325 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण, 8 पुलों का निर्माण, 15 बस्तियों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 825 किलोमीटर लंबी सड़कें व 8 पुलों का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 1 एवं 2 के अंतर्गत 150 किलोमीटर लंबी सड़कों में क्रॉस ड्रेनेज की सुविधा प्रदान की जाएगी। हमारी सरकार द्वारा 2024-25 में 115 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर 631 करोड़ रुपए के व्यय से 13 पुलों सहित 19 कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त 4,490 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय उच्च मार्गों को 2 लेन अथवा 4 लेन करने के लिए एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इनमें से राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग पर प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। 500 करोड़ रुपए की लागत से सैंज लूरी ओट, 750 करोड़ रुपए की लागत से सैंज लूरी ओट राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर जलोड़ी पासवरम का निर्माण, 200 करोड़ रुपए की लागत से नगरोटा बगवान रानीताल,
300 करोड़ रुपए की लागत से चंबा भरमौर, 500 करोड़ की लागत से नाहन कुमारहट्टी, लगभग 250 करोड़ की लागत से विभिन्न राष्ट्रीय उच्च मार्गों पर पुलों का निर्माण, लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न कार्य। आगामी वर्ष के दौरान नवाड़ के माध्यम से RIDF के अंतर्गत 205 किलोमीटर लंबी नई सड़कें, 305 किलोमीटर सड़कों पर क्रॉस ड्रेनेज, 425 किलोमीटर लंबी सड़कों की टायरिंग तथा 25 पुलों का निर्माण किया जाएगा। सेंट्रल रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत निम्न 5 स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य 2024-25 में पूरा किया जाएगा। जिया मानीकरण सड़क पर वर्षा से हुए नुकसान का मरम्मत कार्य, शाहपुर सुविंता चुवाड़ी मार्ग का उन्नयन, ब्यास नदी पर टेरेस तथा स्थाना को जोड़ने वाले पुल का निर्माण, बागचल मेरे बड़सर सड़क का उन्नयन, पड़ोगा त्यूंडी में स्वान नदी पर पुल का निर्माण। अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण संरक्षण तथा लागत को कम करने की दृष्टि से 2024-25 में 230 किलोमीटर लंबी सड़कों पर प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अधिक ऊंचाई वाली सड़कों पर कैल्शियम क्लोराइड और ब्राइन सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाएगा ताकि सर्दियों में इन सड़कों पर बर्फ न जम सके और संभावित दुर्घटना को टाला ना जा सके। ये आ गया आपके लेख से। दर्द हो तो दवा भी मुमकिन है, दर्द हो तो दवा भी मुमकिन है, बैम की क्या दवा करे कोई। अब बैम में फैले हुए लोग, आपको हर चीज का बैम हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण संरक्षण, अभी एक और ढूंढूंगा ना। अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण संरक्षण और लागत को कम 2024-25 में हमारी सरकार द्वारा निम्नलिखित सड़कों तथा संबंधित निर्माण कार्य किए जाएंगे। 860 किलोमीटर लंबी कुल सड़कों का निर्माण, 1067 किलोमीटर लंबी सड़कों पर क्रॉस ड्रेनेज, 1075 किलोमीटर लंबी सड़कों पर मेटलिंग एंड टायरिंग, 57 पुलों का निर्माण, 10 पंचायतों के 40 गांवों को सड़कों से जोड़ा जाना। सड़कों एवं पुलों के लिए कुल 4317 करोड़ रूपये प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, बाजार की बदलती परिस्थितियों को देखते हुए 2019 में अधिसूचित औद्योगिक निवेश नीति में बदलाव करना अति आवश्यक है, जिससे भावी निवेशकों को कम से कम समय में सभी स्वीकृतियां एक ही विंडो के माध्यम से मिल जाए। इससे निवेशक और अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। हमारी सरकार 2024-25 में बदलती परिस्थितियों को देखते हुए एक नई औद्योगिक प्रोत्साहन व निवेश नीति 2024 लाएगी। प्रदेश के युवाओं के लिए औद्योगिक क्षेत्र में स्वरोजगार की अनगिनत संभावनाएं हैं। युवाओं को इसे और प्रोत्साहित करने के लिए की आवश्यकता है। इसके लिए मैं 2024-25 में एक नई स्टार्टअप नीति 2024 लाने की घोषणा करता हूँ। इस नीति के अंतर्गत इनोवेशन के लिए तथा महिलाओं को स्टार्टअप वेंचर हेतु विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान किया जाएगा। महिलाओं द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप को एक वर्ष के लिए अधिकतम 4 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। उद्योग क्षेत्र राज्य के विकास में बहुत बड़ा योगदान देता है। मेरी सरकार का प्रयास है इस क्षेत्र को सर्वोत्तम इकोसिस्टम प्रदान करना है। पिछले साल की आपदा के दौरान मेरी सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर बहाली करने कार्य करने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की दर बढ़ाई थी। अब जब स्थिति में सुधार हुआ है, मैं घोषणा करता हूं कि बढ़ी हुई इलेक्ट्रिसिटी उन उपभोक्ताओं द्वारा देय नहीं होगी जिन्हें हिमाचल प्रदेश औद्योगिक नीति 2019 के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य अवधि की समाप्ति तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का भुगतान करने में छूट दी गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रदेश में हो रहे अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए हमारी सरकार द्वारा प्रभावी रूप से कई कदम उठाए हैं। 10 वर्षों से भी अधिक पुरानी प्रदेश की खनन नीति में कुछ बदलाव किए जाने आवश्यक है। मैं घोषणा करता हूं कि प्रदेश में हिमाचल प्रदेश माइंस एंड मिनरल्स पॉलिसी 2024 लाई जाएगी।
जिसके मुख्य उद्देश्य अवैध खनन पर रोक तथा वैज्ञानिक खनन के माध्यम से प्रदेश के राजस्व में वृद्धि करना होगा। प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से आग से होने वाली दुर्घटनाओं से निपटने के लिए अग्निशमन सेवाओं के लिए अलग मानदंड तय किए जाएंगे। इन मानदंडों में औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों की संख्या तथा किस्म के आधार पर केमिकल्स, बिजली तथा अन्य कारणों से लगने वाली आग से निपटने के लिए अलग अलग एसओपी तथा केमिकल प्रोटेक्शन सूट, फोम कंपाउंड टैंक, ड्राई केमिकल पाउडर सहित अन्य उपकरणों और सामग्री का प्रावधान किया जाएगा। बद्दी ब्रोटी वाला नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र का प्रदेश के संसाधनों तथा स्वरोजगार सृजन में बहुत बड़ा योगदान है। इस क्षेत्र में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं निवेशकों तथा कामगार दोनों के लिए आवश्यक है। मैं इस क्षेत्र में 70 करोड़ रुपए की लागत से शीतलपुर से जगात खाना तक सड़क बनाने की घोषणा करता हूं। यह सड़क मेडिकल डिवाइस पार्क ढेरावाल को बद्दी औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, 2024-25 में 17 पेट्रोल पंप पर ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के साथ साथ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा राज्य विद्युत बोर्ड की साझेदारी के साथ अन्य 13 पेट्रोल पंपों पर ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को पूर्ण रूप से कार्यशील किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 55 अन्य सरकारी क्षेत्रों के ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को कार्यशील कर दिया जाएगा। 2023-24 में की गई HRTC की डीजल बसों को इलेक्ट्रिकल बसों से चरणबद्ध क्रम में बदलने की घोषणा के बाद अब तक HRTC के बेड़े में 110 इलेक्ट्रिकल बसेस और 50 इलेक्ट्रिकल टैक्सीज हो गई है। इसी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए मैं घोषणा करता हूं कि 2024-25 में 327 अतिरिक्त डीजल बसेस को इलेक्ट्रिकल बसेस से बदला जाएगा। इस पहल में जन सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए शुरुआती चरण में माननीय विधायकों को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 रूटों पर ई बस चलाने के लिए प्राथमिकता मांगी गई है। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के अंतर्गत 2024-25 में 40% उपदान पर ई टैक्सी चलाने के लिए 10,000 परमिट दिए जाएंगे। 10,000 जो ई डीजल इंजन पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं उनको ई टैक्सी चलाने के लिए 40% सब्सिडी पर ई टैक्सी दिए जाएंगे। मैं घोषणा करता हूं कि 2024 में वन विभाग, HRTC, HPTDC, GAD के एलिजिबल वाहन ई व्हीकल में बदल दिए जाएंगे। धार्मिक स्थलों के लिए बसें चलाने हेतु प्रथम दर्शन सेवा का विस्तार किया जाएगा। प्रथम चरण में श्री अयोध्या धाम के दर्शन के लिए विभिन्न स्थानों से बसें चलाई गई है। 2024-25 में कुछ अतिरिक्त संस्थानों में से भी इस बस सेवा को चलाया जाएगा। वर्ष 2024-25 में भैंस वाहन स्क्रैप नीति के अंतर्गत प्रदेश में व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर्स की स्थापना की जाएगी, जिससे प्रदेश के सभी 12 जिलों को इसकी सुविधा मिल सके। मैं घोषणा करता हूं कि 2024-25 में ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर के माध्यम से सभी वाहनों की फिटनेस अनिवार्य कर दी जाएगी, ताकि वाहनों को फिट डिक्लेयर करने में मानवीय गलती ना हो। परिवहन नियमों की उल्लंघना पाए जाने पर ऑनलाइन चलान के लिए विभागीय अधिकारियों को ई चलान एंड EPOS मशीन उपलब्ध करवाई जाएगी। सभी परिवहन बैरियर्स पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरास की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे कर चोरी को समाप्त किया जा सके और सरकार को अतिरिक्त संसाधन प्राप्त हो सके। इस प्रणाली की सहायता से ट्रैफिक को भी सुचारू रूप से संचालित करने में सहायता मिलेगी। 272 करोड़ की लागत से नेचर पार्क माहौल तथा बिजली महादेव के बीच हाइब्रिड NUT मॉडल पर 3.2 किलोमीटर लंबे रोप वे का निर्माण कार्य आरंभ किया जाएगा। इस रोप वे पर होने वाले लाभ का 50% अंश राज्य सरकार को प्राप्त होगा। लगभग 54 करोड़ की लागत से निर्मित किए गए जा रहे बगलामुखी रोप वे को हाल ही में आई आपदा के कारण भारी नुकसान हुआ था, जिसके कारण इसकी स्टेबिलाईजेशन के लिए 5 करोड़ रूपये से अधिक की राशि व्यय की गई है। मैं सहर्ष घोषणा करता हूं कि इसका निर्माण कार्य पूरा करके इसी वर्ष इस प्रदेश की जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। हमारी सरकार प्रदेश के लोगों तथा पर्यटकों की सुविधा के लिए कालका से परमाणु तक की ब्रॉडगेज रेल लाइन बिछाने के लिए
भारत सरकार से अनुरोध करेगी। इसके साथ ही जेजो से पोलियो तक की रेल लाइन बिछाने के लिए भी भारत सरकार से अनुरोध किया जाएगा। इसके बिछने से प्रदेश में बन रहे बल्क ड्रग पार्क ड्रग फार्मा पार्क तक रेल यातायात की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। 2024-25 में इन दोनों रेल लाइनों के सर्वे पर लगभग 10 करोड़ रूपये व्यय होने का अनुमान है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 93 इको टूरिज्म साइट्स को मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन के लिए चरणबद्ध तरीके से आउटसोर्स किया जाएगा। प्रथम चरण में 13 इको टूरिज्म साइट्स को आउटसोर्स करने के लिए आरएफपी को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा 2024-25 में इन सभी साइट्स को आउटसोर्स कर दिया जाएगा। हमारी सरकार द्वारा की गई पहल के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्किंग प्लान्स के आधार पर खैर की सिल्वी कल्चर फैलिंग की अनुमति प्रदान की गई है। इससे न केवल स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि होगी बल्कि उनको खैर के पेड़ काटने के बाद और अधिक पेड़ लगाने की प्रेरणा भी मिलेगी। 2024-25 में 10 फॉरेस्ट डिवीजनों में लगभग 13,000 खैर के पेड़ काटने की योजना तैयार की गई है। इससे प्रदेश के राजस्व में भी वृद्धि होगी। माननीय न्यायालय के इस निर्णय से प्रेरित होकर हमारी सरकार चील के पेड़ काटने की अनुमति के लिए भी याचिका दायर करेगी, जिससे अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने के साथ साथ इकोसिस्टम सर्विसेज की गुणवत्ता भी होगी। हरित हिमाचल की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए उपनगरीय और शहरी क्षेत्रों में ग्रीन हिमाचल बायोडायवर्सिटी पार्क नेचर पार्क्स रिवर साइड पार्क स्थापित किए जाएंगे। इन पार्कों को इको फ्रेंडली मटेरियल्स के उपयोग से डिजाइन और विकसित किया जाएगा। इस तस्वीर के माध्यम से मक्स साइट को भी बाहर किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं वनों से संबंधित सभी ऑपरेशनों को बीट लेवल पर सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश की सभी 2,061 फॉरेस्ट बीट में एक एक वन मित्र नियुक्त करने की घोषणा करता हूं। इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया 2024-25 में पूरी कर ली जाएगी। कम्युनिटीज की सहायता से वनों के प्रबंधन में इन वन मित्रों की अहम भूमिका होगी। इसी के साथ मैं 2024-25 में वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के 100 रिक्त पदों को भरने की भी घोषणा करता हूं। वन विभाग के कुल 834 करोड़ रूपये प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास तथा उसे ग्रीन बनाने के लिए मैं मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना आरंभ करने की घोषणा करता हूं। इस योजना के अंतर्गत अगले 4 वर्षों में प्रत्येक विधानसभा चुनाव क्षेत्र में 2 ग्राम गांव चयनित किए जाएंगे तथा राज्य के साइंस पोस्ट ग्रेजुएट तथा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को उन गांवों में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर अनुसंधान के लिए 2 साल तक छात्रवृत्ति दी जाएगी। हाल ही में आई भारी वर्षा और जलवायु में निरंतर आ रहे बदलाव के दृष्टिगत 2024-25 से जिला स्तर पर इन चुनौतियों से निपटने के लिए कार्य योजना तैयार करने का काम आरंभ किया जाएगा। पंचायत स्तर पर जलवायु परिवर्तन कार्य योजना कार्यान्वित की जाएगी। 2024-25 में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार तथा गिज के सहयोग से कृषि और बागवानी क्षेत्र पर बदलती जलवायु के विपरीत प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से इन क्षेत्रों में एक नीड असेसमेंट स्टडी की शुरू की जाएगी, जो हमारे आपदा ही उसकी स्टडी के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया। प्रदेश में अवैध तथा अनसाइंटिफिक माइनिंग को रोकने के उद्देश्य से एक जीआईएस बेस्ड ऐप आरंभ की जाएगी, जिसकी सहायता से प्रदेश में हो रही माइनिंग गतिविधियों की रियल टाइम निगरानी की जाएगी। प्रदेश में जियोग्राफिकल इंडिकेशन को बढ़ावा देने के लिए एक योजना आरंभ की जाएगी, जिसके माध्यम से कमर्शियल प्रोडक्ट्स की जीआई टैगिंग की जाएगी ताकि उत्पादकों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पादों को उचित मूल्य मिल सके। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में गवर्नेंस को और पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में मैं 2024-25 में के दौरान निम्न कदम उठाने की घोषणा करता हूं। प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ डाटा एनालिटिक्स की सहायता से एविडेंस बेस्ड नीति निर्धारण के लिए एक वर्क प्लान बनाकर इस दिशा में शुरुआत की जाएगी। ऑनलाइन सेवा पोर्टल के माध्यम से पहले से उपलब्ध ऑनलाइन नागरिक सेवाओं को और प्रभावी ढंग से प्रदेशवासियों तक पहुंचने के लिए एक मोबाइल ऐप आरंभ किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सचिवालय निदेशालय सभी डीसी एवं एसपी कार्यालय और 253 फील्ड कार्यालयों में ई ऑफिस का सफल कार्यान्वयन करने के बाद इसके माध्यम से
सभी कार्यालयों में ई हस्ताक्षर की सुविधा के साथ साथ ई डिस्पैच की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। सीएम डैशबोर्ड को और प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न विभागों को रिपोर्टिंग मैनेजमेंट पोर्टल के साथ जोड़ा जाएगा, ताकि विभागों से प्राप्त नवीनतम जानकारी के आधार पर उचित समय पर उचित निर्णय ले सके। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा, ताकि प्राप्त शिकायतों का कम से कम समय में निवारण हो सके। गत वर्ष विकसित किए गए डीबीटी पोर्टल को नेशनल डीबीटी पोर्टल के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे दोनों पोर्टलों की सूचनाओं को साझा किया जाए। निवेशकों द्वारा किए गए 5G कनेक्टिविटी के लिए ऑनलाइन आवेदनों के साथ निपटारे हेतु राइट ऑफ वे पोर्टल को आवश्यक संसाधनों सहित अपडेट किया जाएगा। स्टेट डाटा सेंटर की अपग्रेडेशन का कार्य अगस्त 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। इससे उपलब्ध डाटा और अन्य सूचनाओं की सुरक्षा के लिए नवीनतम उपाय किए जाएंगे। हिम परिवार रजिस्टर के सफल कार्यान्वयन के बाद विभिन्न नागरिक सेवाओं को इसके साथ एकीकृत किया जाएगा, ताकि प्रदेशवासियों को विभिन्न सेवाओं का लाभ कम से कम समय में मिल सके। अध्यक्ष महोदय, 2024-25 से मेघ जमाबंदी के अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी समय जमीन से संबंधित रिकॉर्ड की प्रतियां डाउनलोड कर सकेगा। इस पोर्टल पर UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि के माध्यम से शुल्क भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। मेघ चार्ज के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड ऋण लेने के लिए सभी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी करने का प्रावधान किया जाएगा। इसके माध्यम से बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों तथा तहसील कार्यालयों में बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सभी औपचारिकताएं इसी एकीकृत मॉड्यूल के माध्यम से पूरी करके बहुत कम समय में ऋण स्वीकृत किया जाएगा। संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को और सरल बनाने के उद्देश्य से स्टैंप ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क तथा अन्य प्रभारों को ऑनलाइन भुगतान मेघ पंजीकरण मॉड्यूल के माध्यम से आरंभ किया जाएगा। इसी तरह मेघ म्यूटेशन मॉड्यूल के उपयोग से ऑनलाइन म्यूटेशन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। बहुत से भू अभिलेखों का वर्णन कठिन शब्दों में उपलब्ध है। इन भू अभिलेखों का अनुवाद संविधान के अनुसूची 8 में सूचीबद्ध विभिन्न भाषाओं में करवाने का कार्य शीघ्र किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा पिछले बजट में अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उपायों के अनुक्रम में मैं निम्न घोषणाएं करता हूं। करदाताओं की सुविधाओं के लिए VAT तथा अन्य करों के भुगतान के लिए 2024-25 में एक मोबाइल ऐप की शुरुआत की जाएगी। इस ऐप के माध्यम से करदाता ऑनलाइन कर भुगतान कर सकेंगे। प्रदेश में स्थित महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्रों पर विभिन्न करदाताओं से फीडबैक लेने तथा उन्हें पेश आने आ रही समस्याओं की जानकारी लेने के उद्देश्य से करदाता संवाद अभियान आरंभ किया जाएगा। इससे प्रदेश की कर एवं आबकारी प्रणाली को और सरल तथा पारदर्शी बनाने में सहायता मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, 2024-25 में 50 करोड़ की लागत से शहरी क्षेत्रों में स्थित पुलिस स्टेशनों के प्रांगण तथा अथवा स्टेशन के आसपास उसमें कार्यरत पुलिस स्टाफ के लिए आवासीय सुविधा प्रदान करने के निम्न कार्य किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, पिछले बहुत समय से पुलिस कर्मियों की डाइट मनी में कोई वृद्धि नहीं की गई है। मैं पुलिस कर्मियों की वर्तमान में दी जा रही 210 रूपये की डाइट मनी को लगभग 5 गुना बढ़ाकर 1,000 रूपया करने की सहर्ष घोषणा करता हूं। इस प्रकार पुलिस कर्मियों को लगभग 9,000 से अधिक प्रतिवर्ष लाभ होगा। इससे लगभग 18,000 पुलिस कर्मी लाभान्वित होंगे। इससे 16 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष अधिक व्यय होगा, क्योंकि पुलिस वाले हर दिन आते थे कि उन्हें 7 रूपये डाइट मनी बनती है, हमने 5 गुना बढ़ा दी। अगले पांच वर्षों में प्रदेश की 1% जनता को सिविल डिफेंस स्कीम के अंतर्गत लाया जाएगा। यह पहल प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आपदा राहत कार्यों में बहुत सहायक सिद्ध होगी। अग्निशमन से संबंधित NOC देने तथा उसे विड्रॉ करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश फायर फाइटिंग सर्विस रूल अधिसूचित किए जाएंगे। मैं 2024-25 में कांगड़ा के चंगर बडो में सब फायर स्टेशन, मंडी के कोटली में तथा लडभडोर में फायर पोस्ट खोलने तथा ठोक स्थित फायर पोस्ट को सब फायर स्टेशन में उन्नयन करने की घोषणा करता हूं। इसके अतिरिक्त निर्मंड, कुनियार,
उबादेश, कोटखाई, छोटा बंगाल तथा कांगड़ा के चुवार घाटी में अग्निशमन इकाइयां खोलने की भी मैं घोषणा करता हूं। प्रदेश के युवाओं को खेलों में बढ़ चढ़ कर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2024-25 में एक नई खेल नीति लाई जाएगी। इसके अंतर्गत मैं सहर्ष निम्न घोषणा करता हूं। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर पुरस्कार राशि को 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपया, रजत पदक के लिए 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपया तथा कांस्य पदक के लिए 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपया किया जाएगा। एशियन खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले पर पुरस्कार राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर, जो एशियन खेलों में 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपया, रजत पदक के लिए 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 करोड़ रुपया तथा कांस्य पदक के लिए 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपया करने की घोषणा करता हूं। कॉमनवेल्थ खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर पुरस्कार राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपया, रजत पदक के लिए 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपया तथा कांस्य पदक के लिए 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपया किया जाएगा। टीम स्पर्धाओं में विजेता हिमाचली खिलाड़ी को पदक के आधार पर उपरोक्त पुरस्कार राशि में से प्रत्येक खिलाड़ी को प्रतिनिधित्व के अनुपात में बराबर राशि दी जाएगी। जैसे कि हमारी बेटियां भी एशियन खेल के आई, उसमें 3 बेटियां या 4 बेटियां हमारी सिलेक्ट होकर जाती है, तो अनुपात के अनुसार से 2 बेटियां बाहर की होती है, तो उनको ये राशि जो एशियन खेल की कुश्ती में जीत कर आएगी उसी अनुपात के आधार पर इसी वर्ष इन खेल के जो हमारे एशियन गेम्स में चाहे कॉमनवेल्थ गेम में जीत कर आए उनको इसी वर्ष उपलब्ध करवा दी जाएगी। राज्य से बाहर हमारे बच्चे कई बार राज्य से बाहर जाते हैं, राज्य से बाहर 200 किलोमीटर की दूरी तक खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वाले जो गवर्नमेंट स्कूल और हमारे स्कूलों के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, सब बाहर जाते हैं। हम जब जाते थे छोटे होते तो हम भी देखते थे, तो भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को AC 3 टायर किराया दिया जाएगा तथा 200 किलोमीटर से अधिक यानी कि दिल्ली से अधिक दूरी के स्थानों पर जाना है तो 200 किलोमीटर से अधिक दूरी के स्थानों पर जाने के लिए एयर फेयर दिया जाएगा। सरकारी विभागों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को विभिन्न पदों पर 3% खेल कोटा के अंतर्गत सम्मिलित वर्तमान 43 खेलों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। मैं जो हिमाचल प्रदेश में स्कूल गेम्स होती है, कॉलेज गेम्स होती है, इंटर यूनिवर्सिटी होती है, इंटर कॉलेज होती है, इस सब प्रकार की इंटर गेम्स होती है, इन सब प्रकार की खेलों में डाइट मनी बहुत कम मिलती है। मैं विभिन्न स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए खिलाड़ियों को दी जाने वाली डाइट मनी में बढ़ोतरी करने के बाद निम्न की घोषणा करता हूं। प्रारंभिक शिक्षा स्तर के खिलाड़ियों को प्रदेश में होने वाली खेलों में भाग लेने पर जब वो जोनल में जाते हैं प्राइमरी स्कूल के 250 रुपया प्रतिदिन दिए जाएंगे। अन्य सभी खिलाड़ियों को प्रदेश में होने वाली खेलों में भाग लेने पर 400 रुपया प्रतिदिन दिया जाएगा। सभी खिलाड़ियों को प्रदेश से होने वाली खेलों में भाग लेने के लिए इंटर यूनिवर्सिटी नेशनल गेम्स में भाग लेने के लिए समान रूप से 500 रुपया प्रतिदिन दिए जाएंगे। प्रदेश के खेल हॉस्टलों में रहने वाले सभी खिलाड़ी को उपरोक्त के अनुसार 250 रुपया मिलते हैं तथा उन्हें उनकी डाइट मनी को 400 रुपया की डाइट मनी दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं 2024-25 में निम्न खेल परिसरों के निर्माण कार्य आरंभ करने की घोषणा करता हूं। हमीरपुर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक इंडोर स्टेडियम का निर्माण, उन्ना के पजाओं में इंडोर स्टेडियम का निर्माण, मनाली बंदरौल में एक इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण, रैन में स्विमिंग पूल सुविधा के साथ इंडोर स्टेडियम का निर्माण,
देरा में स्विमिंग पूल सुविधा के साथ इंडोर स्टेडियम का निर्माण, करेड़ी नदौन में इंडोर बहुउद्देशीय खेल परिसर का निर्माण, कुसुमटी में इंडोर बहुउद्देशीय खेल परिसर का निर्माण, जयसिंहपुर में इंडोर बहुउद्देशीय खेल परिसर का निर्माण, ढली बाईपास में इंडोर बहुउद्देशीय खेल परिसर का निर्माण। अध्यक्ष महोदय, हम आज वहां भी कर देंगे, अब चिंता ना करो, सब जगह करेंगे, अभी तो सभी जगह करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश को फिल्म की शूटिंग के लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन बनाने के उद्देश्य से 2024-25 से हिमाचल प्रदेश फिल्म पॉलिसी 2024 का कार्यान्वयन किया जाएगा। इसके तहत राज्य स्तर पर एक फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया जाएगा तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में फिल्म फैसिलिटेशन सेल की स्थापना की जाएगी। फिल्मों की शूटिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन तथा अनुमति प्रदान करने के लिए वेब पोर्टल की स्थापना की जाएगी। सरकारी योजनाओं तथा विकास नीतियों को प्रभावी रूप से विभिन्न वेब चैनल्स, न्यूज वेबसाइट्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के माध्यम से प्रसारित एवं प्रचारित करने के लिए डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 का कार्यान्वयन किया जाएगा। सरकारी कार्यक्रमों तथा कार्यक्रमों से संबंधित सूचना को हिम सूचना कोष डाटा ऐप के माध्यम से संकलित किया जाएगा, जिसकी की प्रकाशन के लिए तथा प्रेस में देने योग्य सूचना को तुरंत ही प्राप्त करके प्रेस नोट अथवा लेख प्रिंट किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार युद्ध तथा शांति के समय में प्रदेश के लगभग 3 लाख भूतपूर्व सैनिकों, सेवारत सैनिकों, युद्ध विधवाओं एवं शौर्य पुरस्कार विजेताओं द्वारा की गई सेवाएं तथा उनके बलिदान के लिए उनकी सदैव ऋणी रहेगी। मैं घोषणा करता हूं कि 60 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे भूतपूर्व सैनिकों जिनको और कोई पेंशन नहीं मिलती है को मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि को 3,000 रूपये से बढ़ाकर 5,000 रूपये प्रति मास कर दिया जाएगा। हमारी सरकार 2024-25 में सुनिश्चित करेगी कि विभिन्न विभागों में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित 15% पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरे पिछले बजट में घोषित प्राथमिक कृषि सहकारी सेवाओं की कंप्यूटराइजेशन के अनुक्रम में इन्हें सरकारी बैंकों, सहकारिता विभाग तथा राष्ट्रीय डाटाबेस से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है तथा इसे तय समय सीमा 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सभी सहकारी सभाओं का ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत पैरा वर्कर्स कई विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन सभी के मानदेय की वृद्धि के लिए मैं निम्नलिखित घोषणाएं करता हूं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 500 रूपये की बढ़ोतरी के साथ अब 10,000 रूपया मासिक मानदेय मिलेगा। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 400 रूपये की बढ़ोतरी के साथ अब 7,000 रूपया मिलेंगे। आंगनवाड़ी सहायिका को प्रति माह 300 रूपये की बढ़ोतरी के साथ अब 5,500 रूपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। आशा वर्कर को 300 रूपये की बढ़ोतरी के साथ 5,500 रूपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। सिलाई अध्यापकों के मानदेय में 500 रूपये बढ़ोतरी की जाएगी। मिड डे मील वर्कर्स को 500 रूपये बढ़ोतरी के साथ 4,500 रूपये प्रति माह मिलेंगे। वाटर कैरियर शिक्षा विभाग को 600 रूपये बढ़ोतरी के साथ 5,000 रूपये प्रति माह मिलेंगे। जल रक्षक को 300 रूपये बढ़ोतरी के साथ 5,300 रूपये प्रति माह मिलेंगे। जल शक्ति विभाग के मल्टीपर वर्कर्स को 600 रूपये बढ़ोतरी के साथ 5,000 रूपये प्रति माह मिलेंगे। पैराफीटर तथा पंप ऑपरेटर को 300 रूपये बढ़ोतरी के साथ 6,300 रूपये प्रति माह मिलेंगे। पंचायत चौकीदार को 1,000 रूपये की बढ़ोतरी के साथ 8,000 रूपये प्रति माह मिलेंगे। राजस्व चौकीदार को 300 रूपये बढ़ोतरी के साथ 5,800 रूपये प्रति माह मिलेगा। राजस्व लंबरदार को 500 रूपये बढ़ोतरी के साथ 4,200 रूपये प्रति माह मिलेंगे। एसएमसी अध्यापकों के मानदेय में 1,900 रूपये प्रति माह बढ़ोतरी की जाएगी। आईटी टीचर को 1,900 रूपये प्रति माह बढ़ोतरी की जाएगी। एसपीओस को 500 रूपये प्रति माह बढ़ोतरी की जाएगी। प्रत्येक वर्ष की भांति माननीय विधायकों के साथ हुई बैठकों के दौरान सामने आए सुझावों के आधार पर मैं निम्न घोषणाएं करता हूं। पानी पी लेता हूं।
बुलाने की मीटिंग में शेयर सेट नहीं बैठ रहे इस स्पीच में ना। तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो सिर्फ ज्ञान देना है। तुम्हारा क्या है, तुम्हें सिर्फ ज्ञान देना है, हमारी सोचो हमें इम्तिहान देना है। सही आ गया। प्रदेश वर्ष की भांति माननीय विधायकों के साथ हुई बैठकों के दौरान सामने आए सुझावों के आधार पर मैं निम्न घोषणाएं करता हूं। शिमला विधानसभा चुनावी क्षेत्र शहरी क्षेत्र होने के कारण नवाड के आरआईडी के अंतर्गत विधायक प्राथमिकता योजनाओं की स्वीकृति हेतु पात्र नहीं है। यही समस्या धर्मशाला, मंडी, सोलन तथा पालमपुर नगर निगमों में पड़ने वाले विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में भी आने वाली है। मैं इन पांचों शहरी विधानसभा चुनाव क्षेत्रों के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक के माध्यम से अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत इन शहरी क्षेत्रों की विधायक प्राथमिकता योजनाओं को स्वीकृत करने की घोषणा करता हूं। मतलब जो नगर निगम के दायरे में शिमला में तो काफी सालों से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट का पैसा नहीं मिलता था, पर चार और नगर निगम बन गए, उनके दायरा भी उस इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में नहीं आते थे, तो हम उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमें नवाड के तहत मिलता है वो हम अपने उससे शिमला शहर को भी दिलाएं। हमारी सरकार के व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के अनुक्रम में मैं वित्तीय वर्ष 2024-25 से विधायक प्राथमिकताओं के स्वरूप में भी परिवर्तन करने की घोषणा करता हूं। अब माननीय विधायकों द्वारा सड़कों, पुलों, पेयजल योजनाएं अथवा लघु सिंचाई योजनाओं की 3 वास्तविक नई स्कीमों की प्राथमिकताएं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त उपरोक्त में से 1 प्राथमिकता किसी भी पूर्व निर्मित स्कीम के रखरखाव से संबंधित दी जा सकेगी। 5वीं प्राथमिकता एचआरटीसी के वर्तमान रूट पर इलेक्ट्रिकल बस चलाने तथा आवश्यक चार्जिंग स्टेशन से संबंधित होगी। ओवरहेड बिजली की तारों तथा अधूरे मुख्यमंत्री लोक भवनों का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अंतर्गत प्रावधान कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री आवास योजना के दिशा निर्देश के अनुरूप यदि माननीय विधायक किसी भी श्रेणी के लाभार्थी के आवास बनाने के लिए अनुशंसा करना चाहे तो वह इस निधि से कर पाएंगे। इसी के साथ विधायक प्राथमिकता के वित्तीय पोषण की वर्तमान सीमा को 20 करोड़ रूपये बढ़ाकर 175 करोड़ रूपये से 195 करोड़ रूपये करने की मैं घोषणा कर रहा हूं। प्रदेश को हरित विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए 20 करोड़ रुपए की बड़ी हुई राशि में से प्राथमिकताएं इलेक्ट्रिकल बसें चलाने तथा चार्जिंग स्टेशन से संबंधित होगी। विधायक इच्छा निधि को 13 लाख रुपए से कम कर मैं खत्म करने की घोषणा कर विधायक ऐच्छिक निधि को 13 लाख रुपए से बढ़ाकर, जो औरों को दिया वो इसी से काट के तो दिया, विधवाओं को दिया बेचारों उनको, विधायक इच्छा निधि ऐच्छिक निधि को 13 लाख रुपए से बढ़ाकर 14 लाख रुपए प्रति विधानसभा क्षेत्र कर दिया जाएगा। विधायक
विधायक क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत प्रति विधानसभा क्षेत्र राशि को 2 करोड़ से घटाकर अच्छा नहीं गलत पढ़ रहे हैं, 2 करोड़ 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ 20 लाख रुपए कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, पूंजीगत कार्य को शुरू करने के लिए जनप्रतिनिधियों के पास बहुत अधिक मांग रहती है। पूंजीगत कार्य को शुरू करने के लिए जनप्रतिनिधियों के पास बहुत अधिक मांग रहती है, जो कि उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से कहीं अधिक है। इस प्रक्रिया में हर साल नए कार्य शुरू होते हैं, जबकि पहले से चल रहे कार्य संसाधनों की कमी के कारण रुक जाते हैं। सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों से मेरी इस बात से सहमत होंगे कि चल रहे अधूरे कार्यों को प्राथमिकता देने की जरूरत है। मैं घोषणा कर रहा हूं कि चल रहे कार्यों को पूरा करने के लिए 2024-25 में कम से कम 1,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा और उन कार्यों पर जोर दिया जाएगा जो पूरा होने के करीब है। राज्य के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि चल रहे कार्यों को पूरा करने को महत्व दिया जाएगा। कोई 1 करोड़ रुपए से फंसा है, कोई 50 लाख रुपए के से फंसा है, 4-4 साल से बिल्डिंगें बनी है, कोई 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए के से फंसा है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार प्रदेश के विकास में सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स की महत्वपूर्ण योगदान को समझती है। उनके बढ़े हुए वेतन के एरियर्स के भुगतान के लिए हमारी सरकार संवेदनशील है। कर्मचारी व पेंशनर्स बहनों और भाइयों को भी वर्तमान सरकार को पुरानी सरकार से मिली विकट वित्तीय स्थिति की जानकारी है। जितने भी सरकारी कर्मचारी है, रोज रहते हैं, अधिकारी है, पेंशन भोगी है, हिमाचल की आर्थिक स्थिति की उनको जानकारी है। दशकों से हिमाचल सरकार पंजाब सरकार के वेतन मानों का अनुसरण करती आई है। अभी तक पंजाब सरकार द्वारा अपने कर्मचारी और पेंशनर्स के एरियर का भुगतान नहीं किया गया है। कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद मैं निम्नलिखित घोषणा करता हूं। सभी कर्मचारी और पेंशनर्स के वेतन तथा पेंशन से संबंधित एरियर्स का भुगतान चरणबद्ध ढंग से 1 मार्च 2024 से शुरू कर दिया जाएगा। 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों की लीव एनकैशमेंट एंड ग्रेच्युटी से संबंधित एरियर्स का भुगतान चरणबद्ध ढंग से 1 मार्च जो 10 दिन बाद खत्म हो रहा है 2024 से शुरू कर दिया जाएगा। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि 1 अप्रैल 2024 से 4% की दर से महंगाई भत्ते की किश्त जारी कर दी जाएगी। इस पर लगभग 580 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष व्यय किए जाएंगे। प्रदेश के कर्मचारी अभी तक अपने सेवा काल के अंत में केवल एक बार ऑल इंडिया लीव ट्रेवल कंसेशन LTC ले सकते थे। मतलब 30 साल नौकरी कर ली, 25 साल नौकरी कर ली, 40 साल नौकरी कर ली, एक ही बार LTC की सुविधा मिलती थी। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 1 अप्रैल 2024 के बाद प्रदेश के कर्मचारी अपने सेवा काल में कम से कम 2 बार LTC की सुविधा ले पाएंगे। दिहाड़ीदारों को 25 रुपए बढ़ोतरी के साथ 400 रुपया प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी। आउटसोर्स कर्मचारियों को अब न्यूनतम 12,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। पंचायत वेटरनरी असिस्टेंट को मिलने वाले 7,000 रुपए प्रति माह को बढ़ाकर 7,500 रुपया किया जाएगा। हमारी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि कर्मचारियों के सहयोग से प्रदेश की वित्तीय स्थिति में शीघ्र ही सुधार लाया जाएगा। ये हमारे जो हमने राजस्व प्राप्त किया है उसको बांटा है, एक साल में जो व्यवस्था परिवर्तन किया उसके हिसाब से हम ये जो हमें अधिक राजस्व आया वो हम कर्मचारी, प्रदेश की किसान, महिलाओं, युवाओं सबको बांट रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं 2023-24 के संशोधित अनुमानों पर आता हूं। वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां 40,446 करोड़ रूपये है। 2023-24 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व व्यय 45,946 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है। 2023-24 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 5,480 करोड़ रूपये का राजस्व डेफिसिट अनुमानित है। अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024-25 के लिए 58,444 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ।
वर्ष 2024-25 में राजस्व प्राप्तियां 42,153 करोड़ रहने का अनुमान है तथा कुल राजस्व व्यय 46,667 करोड़ रुपए अनुमानित है। इस प्रकार कुल राजस्व घाटा 4,514 करोड़ रुपए अनुमानित है। राजकीय कोषीय घाटा 10,784 करोड़ रुपया अनुमानित है, जो कि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद का 4.75% है। 2024-25 के बजट के अनुसार प्रति 100 रुपये व्यय में से वेतन पर 25 रुपये, पेंशन पर 17 रुपये, ब्याज अदायगी पर 11 रुपये, ऋण अदायगी पर 9 रुपये, स्वयं संस्थानों के लिए ग्रांट पर 10 रुपये, जबकि शेष 28 रुपये पूंजीगत कार्यों सहित अन्य गतिविधियों पर व्यय किए जाएंगे। अगले वर्ष के बजट का पूर्ण विवरण इस माननीय सदन में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। विस्तृत बजट दस्तावेजों में उपलब्ध है। इसके अलावा FRBM स्टेटमेंट भी बजट के साथ प्रस्तुत की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, इस बजट अधिभाषण के मुख्य बिंदु अनुबंध में दर्शाए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं यह बजट माननीय सदन के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद। मुख्य बिंदु तो क्या, धन्यवाद। जय हिंद।